हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो. ये वो वीडियो है जिसका आप लोग बेताबी से वेट कर रहे थे और मैं भी कर रही थी. ऑफिशियली आयुष सिंह ठकुरी का इंटरव्यू हम लेंगे और वो यहाँ पर बैठ के उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे जिसको वो अवॉइड करते थे. लेकिन आज मेरे पास वो सारे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं उनसे आंसर मांगूंगी, और अगर नहीं मांगेंगे तो वो यहीं पर बैठे तो उनका बहुत बुरा हाल होगा. एनीवेज, I represent Ayush Singh Thakuri, aka Ayu underscore 69. बहुत सस्ती जगह है यार ये. अरे यार, हाँ बस बस इतना भी मिल गया ना, काफी है. बैठो बैठो बैठो. ओके, अरे पढ़ो ना, कोई नहीं किसवा रहा है, बाद में बाद में इंटरव्यू के बाद में. तो कैसे हैं आप सब? खैर बढ़िया. या कैसे तबीयत है? लिपस्टिक क्यों लगी है? ये मेरा है, दारू डाल के पीजिए यार. एनीवेज, आज हम आपसे काफी कठिन क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको कोई मसला तो नहीं है, आप सबके जवाब देंगे. ये नहीं है कि आपने जैसे आप पहले लाइव सेशन में इधर उधर कर देते थे बात, वो नहीं होगा. हाँ, आपको क्लियर कट जवाब देना पड़ेगा सबका. दे देंगे? बिल्कुल पक्का. यस, डन. श्योर श्योर. पहले तो ये बताओ कि आपको कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, कैसा लगेगी, बस ये सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या डालियो. आपको कैसा लगा, मतलब मैं नेपाल आई, कैसा लग रहा है आपको? क्या यही है जो आपने ये क्वेश्चन पूछा? तो मेरे चेहरे में एक मुस्कुराहट आ गई. वही आंसर. नहीं, मतलब आपको मेरी फैमिली से मिलके और हाँ, फैमिली तो अनएक्सपेक्टेड, इतनी सपोर्टिव, इतनी अच्छी मम्मी, जो मतलब बहुत प्यारी. मतलब मैं किसी के साथ इतना क्लोज नहीं होता जितना तुम्हारी मम्मी के साथ हुआ. इतना क्लोज मैं अपनी दादी के साथ हूँ, मतलब इतना क्लोज जैसे कि दादी के साथ हूँ, वही फील होती है मुझे. सो मुझे आप कहते थे कि आपकी एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, पर जब आप मेरी फैमिली के साथ होते हो मुझे तो ये लगता है कि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है आपकी, विद बिलाल, विद इस्मा, विद मामा. नहीं, वो एक कंफर्ट जोन नाम का चीज होता है. ठीक है, तो लाइक कोई मतलब अपने कंफर्ट जोन में है तो उसको किसी चीज की एतराज नहीं होती. जैसे कि मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ मैं जब होता हूँ तो बहुत कम्फर्टेबल फील करता हूँ. तो जो मेरे दिल का है, जो जो मैं चाहूँ वही करता हूँ. कुछ ऐसी वो डिफिकल्सी, वो फीलिंग्स नहीं आती अंदर से, तो इसीलिए वो मेरी इंट्रोवर्ट टाइप की वो नहीं आती यार. बस ये है कि खैर जो नए नए लोग होते हैं उनके साथ थोड़ी मैं बार बार कम करता हूँ, पर धीरे धीरे सबके साथ ऐसा हूँ. हम सब में से आप किसके साथ ज़्यादा क्लोज हो गए, मतलब मुझे छोड़ के? हमारा बिलाल भाई. बिलाल भाई, लाइक बिलाल की और आपकी दोस्ती के इतने बड़े चर्चे हो रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? उसके बारे में बस ये बोलूँगा कि अब ब्रदर्स विद डिफरेंट मदर्स. आपको सेम पॉजिटिव वाइब आती है बिलाल से? बिल्कुल. ये कब हुआ, जब आप उनके साथ एक रूम में जब आप लोगों ने रूम शेयर किया था तब? क्योंकि उससे पहले तो मतलब इतना नहीं था ना. जब आप फिश टेल लॉज गए हैं, जब आप मतलब उनके साथ उठे बैठे हो, ज्यादा टाइम स्पेंड किया, तो तब हुआ है? नहीं नहीं, बस मतलब अब लड़के लड़के की मतलब बात मिल जाती है ना यार. तो बिलाल भाई के साथ बैठे हैं, ठीक है, तो जब वो नेपाल आए, पहले तो इतने मतलब बात बात होती थी. वो मुझसे हमेशा यही बोलता था, ये तुमसे बात करता है, ये तो बस जी भाई, हाँ भाई, ओके भाई करता है. अरे तब मेरी वो थी ना यार इंट्रोवर्ट वाली, तो अब मेरी क्या है कि पूरी खुल गई है बहुत ज्यादा ही. हाँ, तो अब मतलब हम मतलब बनियान वाले वो
दोस्ती दे रहा अभी। ये तो मैं आपको कंफर्टेबल फील करवा रही थी, मतलब यू नो अब आपके मेन क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं आपको कंफर्टेबल फील, जी जी नहीं ये क्वेश्चंस ये मैं आपको कंफर्टेबल फील करवा रही थी। यार मतलब मैं नर्सिसिस्ट का बच्चा तो नहीं यार। नहीं नहीं मैं आपको कंफर्टेबल, अब आप कंफर्टेबल है बिकॉज़ आई कैन सी द नर्वसनेस इन योर फेस, ऑन योर फेस। हम सबको पता है कि आपका नाम आयुष सिंह ठकुरी है और आप मतलब सोशल मीडिया पे IU_69 है आपका नाम। आपको अगर खुद को इंट्रोड्यूस करवाना पड़े तो आप कैसे करवाओगे? खुद को इंट्रोड्यूस कराने पड़ेगी तो कैसे करूँगा? सन ऑफ जोरा बहादुर सिंह। और बस यही। और आपकी जर्नी कैसी? जर्नी आप तो टिकटॉकर थे तो ये सिंगर, तो आप तो टिकटॉकर थे राइट? तो ये टिकटॉक की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? व्हाट हैपेंड और कब स्टार्ट हुई? उससे पहले आप क्या करते थे? टिकटॉक से पहले क्या करते थे? कुछ नहीं, टिकटॉक से पहले अपना स्कूल था तो स्कूलिंग कर रहा था, तब बड़े बड़े कर रहे थे टेंथ का। तो नहीं नहीं टेंथ खत्म हुआ था तब। तो मैं टेंथ खत्म होने के बाद ऐसे घर में बेरोजगार था तो उसके बाद टिकटॉक ज्वाइन करके फिर से और बेरोजगार हो गया। मैं मेरा मतलब बस मजा कर रहा हूँ, पर मैं पहले अरे टिकटॉक ज्वाइन करने की एक कहानी यार बताएंगे। जैसे कि पबजी पहले बहुत पबजी चार से मिलती ना, आजकल हाँ आजकल भी है पर उतना आजकल वो मतलब दिल नहीं पहले करती। बोल रहे थे कि बच्चे जो है कुछ ज्यादा ही पबजी एडिक्ट हो गए, तो आप यू वर वन ऑफ देम पर वो बच्चे में नहीं एडल्ट में। तो जी और पबजी खेल रहा था दोस्तों के साथ, तो दिन भर वही खेल रहा था क्योंकि घर से मुझे अलाउड नहीं थी बाहर जाने की। और मैं बस घर में रहता था क्योंकि काम वाम कुछ है नहीं, तो बाहर क्यों भेजे? दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे मुझे मांगने की दिल नहीं करती। और वही है तो पबजी खेलता था तो मामा टिकटॉक वहाँ रहते, ठीक है हमारे ऑफिस मामा। तो क्या हो गई थी एक दिन मेरी एक फोटो पिक्चर और वीडियो में जो आपको दिखाई थी जी करके आशा हुआ जी जी, तो मेरी डाल दी। क्या मैं वो शेयर कर सकती हूँ? अगर वो आपको मिली तो शेयर कर देना ठीक। और क्या हो गया था कि मैं मतलब मॉल में बैठा था फोन यूज करके, तो मामा मुझे पूछेगी इधर देखे आशो, मुझे क्या लगा कि मैं ऐसे करके आशा उसको स्माइल दी यहीं करके। तो स्माइल दी मैंने, तो मुझे क्या पता था कि मामा वीडियो कर रहे, तो मामा ने वो वीडियो करके डाल दी। उसके बाद उस पे जो लाइक्स आए व्यूज आए सो क्यूट। सो यू मीन मामा की आईडी थी लेकिन आप फेमस हो गए? सो ये जो आयुष वाली आईडी है ये मामा की थी? हाँ, तब ऐसे कुछ 16,000 फॉलोअर्स थे इसमें। अभी देखो माशाल्लाह 1 मिलियन जानता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा लगता है आपको? पहले तो ख्वाब दिखता था ये सब पाने के लिए, अब तो मुझे लगता है कि मतलब नहीं पहले मैं इस सबको ख्वाब देखता था, अब मुझे क्या लगता है कि मतलब बस पहले देखता था अब फील कर रहा हूँ वो ख्वाब को, वही है। तो वो एक टिकटॉक की वजह से आप फेमस हो गए, उसके बाद आपने कंटिन्यू रखी अपनी टिकटॉक की जर्नी? नहीं नहीं फिर उसके बाद क्या होगी, मैं प्लस टू में गया। प्लस टू मतलब 11-12 जो होते, तो मेरी गैपिंग हो गई उधर 2 साल तक। तो प्लस टू खत्म करने का व्यवस्था कर दी, तो अभी फिलहाल जो मतलब रेगुलर तो नहीं था पर बस थोड़ा बहुत इतना ही मतलब डालता था कभी कभार, क्योंकि जब टिकटॉक स्टार्ट करे तो लोग एक आदत हो जाती, जैसे कि फेसबुक में पोस्ट करते ऐसी हमें टिकटॉक की भी एक आदत हो जाती है। सही बात है। हाँ, तो मैंने कभी कभार जैसे कभी बाहर गई या कभी दोस्तों के साथ ऐसे मिले तो करता था पोस्ट, मैंने में 2 या 1। और उसके बाद बैचलर जिन किया, बैचलर सेकेंड ईयर से मैं थोड़ा रेगुलर होने लगा। और रेगुलर होते होते मतलब अब तो परमानेंटली एक हो ही होगी। गुड, तो आप टिकटॉकर हो ठीक है, तो लेकिन आपने मतलब ये सिंगिंग करियर कब से स्टार्ट किया? आप तो आर्टिस्ट हो सिंगर हो? नहीं यार बात ऐसी यार कि पहले से दिल थी यार सिंगिंग में। We have seen like आपकी प्यारी आवाज है, आपने कब रियलाइज किया कि हाँ आपकी प्यारी आवाज है और आपको एक सिंगर बनना चाहिए? अरे नहीं यार, अरे यार सिंगर बनने के लिए प्यारी आवाज नहीं, फीलिंग्स चाहिए।
लोग बोलते कि मतलब ऐसे सुर ऐसे ये वो से नहीं बनते सिंगर, नहीं यार सुर से कोई लेना देना ही नहीं सिंगिंग के लिए okay. क्योंकि जो सिंगर जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो सिंगर्स वो मतलब अपने वो बस आवाज से नहीं होते ठीक है, उसकी हर एक वर्ड उसकी फीलिंग्स वो क्या बोलने चाहते, क्योंकि जो मुँह से नहीं बोली जाती वो गाने से बोली जाती है. तो लोग समझते हैं कि मतलब सिंगिंग का मतलब जिसकी अच्छी सुर हो वो कर सकती, सुर में कोई होता है सम परसेंट, पर जो मेन होती है वो फीलिंग्स और अपने भावना और words. तो आपका जो पहला गाना था सात समंदर वो वही आपका पहला सॉन्ग था या इससे पहले भी आपने कुछ लिखा है कुछ गाया? उससे पहले बस ऐसे ही गुनगुनाता था, मतलब दिल तो थी एक गाने बनाने की पर वही थी कि मतलब कुछ फील नहीं आता था, फील मतलब वो आगे कुछ एक वॉल टाइप की होती है ना उससे आगे जा नहीं पाता, क्योंकि उससे आगे क्यों नहीं जा पाता था क्योंकि मेरे पास कुछ थी नहीं कि मैं सबको दिखा सकूं. सबको दिखाने की बात नहीं यार, मतलब एक होती है ना कि एक सर्टन ऑडियंस हुई मेरी जो मतलब मेरे भी गाने सुने वो बोलेगी कैसे लगती है, वो ऑडियंस नहीं थी आपके पास, वो रीच नहीं थी आपके पास. तो यानी इसके वजह से आप अपने आप को रोक रहे थे उस चीज से, जैसे कि होती है कि पता नहीं लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे. ऐसा है कि ये समझो कि बहुत बढ़िया स्टूडेंट है एक, दिमाग से बहुत तेज, पर उसकी घर की आर्थिक अवस्था की वजह से स्कूल नहीं जा पाता है, वही तो वही आपका था. तो आपने जो पहला सात समंदर अपना सॉन्ग लिखा था वो आपने किसको सोच के लिखा था? ऐसी यार वो बैरियर कैसे टूटा, वो जो वॉल कैसे टूटी, वो कैसे आप कॉन्फिडेंस आया आपको कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं अब तो मेरे पास है अब तो मैं करूँगा, वो कैसे वो टूटी दीवार? ऐसे हुई कि जब आपके घर में दो बस दो ही परिवार मेंबर आप और आपकी मतलब भाई बहन या मम्मी जो जो भी हो और दूसरे की तुम्हारे घर के सामने वाले की घर में 10 लोग हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगी बस एक से और उसको मिलेगी 10 से. तो किसको ज़्यादा सपोर्ट मिली और किसको ज़्यादा ऊंचाई पे पहुँचेंगी पहुँचने के लिए वो आसान होगी उसको ना उसको. तो मेरी भी वही थी पहले, बस मेरे पास कुछ थे मतलब उंगलियों में सिर्फ, अभी तो मतलब मैं मतलब सबको एक साथ करूँ तो भी मतलब नहीं हो पाते इतने हो गए, तो इसलिए वो तो आ जाएंगे यार ना. और जो मतलब अच्छे काम करने के लिए चाहे जो भी हो जितना भी मुश्किल हो. तो वो वॉल कैसे टूटी? मैंने आपको बोला कि ये जो आप बातें घुमाते हो ना ये आप सिर्फ टिकटॉक लाइव पे घुमाया करो, अभी इंटरव्यू में ना डायरेक्ट. वो दीवार कैसे टूटी, वो गाना कैसे निकला, फीलिंग कहाँ से आई? ऐसे कि एक सिचुएशन होती है ठीक है, सबको एक क्रिएट करना पड़ता है, जो आर्टिस्ट है वो लोग मतलब बस मैं मतलब सबके साथ नहीं होती है पर मुझे यही होती है, मतलब मैं इमेजिन करता हूँ कुछ चाहे वो चीज़ हो या ना हो पर मैं इमेजिन एक सेट करता हूँ, मतलब वो रखता हूँ जैसे कि दो इंसान रखता हूँ, एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ ठीक है. तो वो क्रिएट करने में मुझे बहुत आसान हुई क्योंकि आपकी वजह से मेरी वजह से अरे ओके हाँ तो वो क्रिएट कर ली, जैसे सात समुद्र हो गई. अरे यहाँ से दुबई तक कितने समुद्र आते हैं बीच में, भले सात ना हो होंगे सात पता नहीं क्यों, पर हाँ तो उसी तरीके लाइक पजल पजल टाइप की. तो एक साथ समुद्र हो गई और वो एक पारी हो गई, पार मतलब उस पार ऐसे ऐसे करके क्रिएट कर ली. पर वो गाने मतलब वो असल में कहूँ तो वो गाना नहीं है और वो सुनने से भी मतलब गाना ऐसे नहीं लगती, असल में कहूँ तो वो मेरी तब की एक डार्क फीलिंग्स थी वही है, तो इसलिए वो वीडियो भी मतलब एक डार्क टाइप में बनाई है. लोग कहते हैं कि मतलब ऐसे भी गाना होते हैं, हाँ सही कह रहे हो बिल्कुल नहीं होते ये गाने, तो मेरे गाने ही नहीं है, गाना नहीं है उसके इमोशन, आपके इमोशंस आपकी फीलिंग्स हैं. मुझे बस मतलब होते हैं ना सब लोग सिंगिंग करते होंगे बड़े बड़े सिंगर से वो गाते हैं ठीक है, पर मुझे खुद का ही करना है, मतलब सॉन्ग ही करना है म्यूजिक ही करना है पर अपने तरीके से, चाहे वो गाने जैसे सुनो या ना सुनो पर मुझे जो मेरे अंदर है वही निकलना है, क्योंकि यार नई चीज़ लेना चाहिए ना. हर एक दिन करके ये नहीं होती, कभी कभार तो आप और सॉन्ग्स भी बनाओगे, आप सोच रहे अपने कोई न्यू सॉन्ग का कुछ आ रहा है? बिल्कुल क्यों नहीं आ रही, आपके साथ ही आ रही है तो कल सुटे आपको पता ही होगी जी जी और
थोड़ा सा हमें कोई हिंट मिले कि गाने की, क्योंकि हम बड़े बेताब हैं. नहीं नहीं, क्योंकि वो थोड़ा स्पेशल रहना चाहिए. स्पेशल पर्सन के साथ किया हूँ फर्स्ट टाइम. हाँ हाँ, तो स्पेशल तरीके से करेंगे ना यार. जब आएगी आप लोग सब हमारे जानते लोग हैं यार, इधर मतलब वेट कर रहे हैं. तब तक के लिए बस थामिए अपने आप को. गाने का मतलब कुछ भी आप नहीं बताएंगे गाने में, कोई नाम कुछ? वही है यार, लव लव सॉन्ग एक. हाँ, तो रोमांटिक टाइप की होगी थोड़ी. हाँ, और जैसे कि इसमें एक कंट्री टाइप की भी है, मतलब कंट्री की मतलब प्यार को जुड़ा हुआ. तो ये मैं क्या बोला था, दो कंट्री. हाँ, दो कंट्री की प्यार टाइप की, क्योंकि हिंदी और नेपाली में. हिंदी और नेपाली में? हाँ, तो ये तो बोल रहा हूँ. लो, हमें तो पता नहीं. ये तो आपने बहुत अच्छी न्यूज हमें दे दी. ये तो आपने वो ब्रेक कर दी, स्नो ब्रेक कर दी. हम यही तो मांग रहे थे आपसे क्लू, मतलब हिंदी और नेपाली दोनों में. इंडिया नेपाली दोनों में, तो वही तो बोल रहा हूँ कंट्री के एक प्यार टाइप की. वाओ, रोमांटिक सॉन्ग है, हिंदी और नेपाली में है. अरे, मेरी अभी तक की सबसे लंगेस्ट प्रोजेक्ट है. इसमें इसको बनाने मुझे तकरीबन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी बस ऑडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, पर आपकी थोड़ी टाइम की उसके वजह से जल्दी वीडियो करना पड़ी, पर खैर अच्छी होगी. तो यू मीन इसका इसके साउंड में भी मतलब अभी भी नहीं हुआ, मतलब इसकी ऑडियो अभी तक हुई नहीं है? ऑडियो अभी तक हुई नहीं, मतलब बस 20% बाकी है अब. ओके, जल्दी होगी. सो आपने क्या सोचा कि आप इस गाने को कब लॉन्च करोगे, लाइक एनी डेट और समथिंग? कुछ सोचा है दिमाग में, कोई मंथ? और यू हैव लाइक, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके ये करना चाहते हो? रश नहीं करना चाहते इसमें? बिल्कुल रश नहीं करना चाहता, बहुत आराम से. चाहे मतलब ये गाने एक साल के बाद भी मैं निकालूं, पर अच्छे से आराम से निकालूंगा. निकालोगे? इससे मतलब वो जो पहले जो होती थी कि पब्लिक प्रेशर और इधर उधर की बात सब लोग बोलते थे, तो तब मैं थोड़ा पैनिक हो जाता था और जल्दी जल्दी करने की वो होती थी मेरी. तो उसी बात में कुछ छूट जाती थी पीछे ही. तो बाद में जब सुनता था अपने गाने तो ऐसा लगता था कि अरे यार इसमें क्यों नहीं हुआ. तो इसीलिए मैं इस गाने को थोड़ा थोड़ी टाइम लेगी. तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके ये गाना करना चाहते हो, भले एक मंथ लगे, दो मंथ लगे, तीन मंथ, बिल्कुल फ्री होके, पैनिक नहीं होके, अपना फुल बेस्ट ये देना है आपने. तो ये वाला सॉन्ग जो है वो सात समंदर और एक खोर माया सबसे डिफरेंट होगा. डू यू थिंक इट विल बी वन ऑफ योर बेस्ट प्रोजेक्ट जो आगे भी आएंगे और पीछे भी हैं? आगे की तो मतलब मैंने सोचा नहीं हूँ क्या होगी कैसी होगी, पर अभी तक की बेस्ट, मतलब बेस्ट बस गाने के उसमें नहीं बोल रहा हूँ. बेस्ट क्यों, क्योंकि वीडियो में भी मैं अभी तक बस अकेला ही था. अभी मेरी पार्टनर है, उसके नाम एलजी जमाली, वो अभी देख रही होगी. ओह रियली? तो वही है, इसलिए स्पेशल भी है. और जैसे कि होती है ना, अब दो साल, डेढ़ साल, दस साल के बाद भी देखूँ, मेरी चिंटू मिंटू भी हो जाए, सबके साथ भी देख सकते हैं. तो देख तुम्हारी मम्मी और मैं कितने हीरो हीरोइन थे. So we personally consider you a public figure, right? इधर नेपाल में भी काफ़ी public figure artist हैं, तो like आपको कैसा लगता है जब वो public figure और artist आपको जानते हैं, लेकिन आपको जानते हुए भी वो लोग अनजाना करते हैं, लेकिन आपके गाने की तारीफ करते हैं, लेकिन वो आपको recall नहीं करते? Like आपको कैसा लगता है कि मतलब कि एक ही तो मतलब नेपाली ही है, अगर तो इसी तारीफ कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा? आपको मतलब कैसा लगता है, एंड ऐसा क्यों है? इससे क्यों है कि यार लोग बस खुद की सोचते हैं ना यार ज़्यादा. ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मतलब दूसरे की भी सोचे यार, अपनी भी करे. इधर क्या है कि थोड़ी वो जो जब छोटे होते हैं ना, तब से वही मतलब वही मेंटली से गुजर के आए ना, तो उसकी वजह से भी होगी. और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यार, मतलब मैंने भी बहुत फील किया हूँ. We have seen few interviews of some famous artist in which they are not recalling you, but they are telling कि हाँ आपका song अच्छा है. नहीं नहीं, वो बात तो मतलब उनकी सोच है, मतलब वो कैसे पेश करे मुझे. हो गया, मतलब उनके मुँह से मेरी नाम निकल गई तो मैं बड़ा और वो छोटे होंगे. पर बिल्कुल ये नहीं होती यार, क्योंकि आप किसी की तारीफ कर रहे हो उसको, जो आप वो मुकाम में हो और वो बंदा ये नहीं मुकाम में, तो आपके मुंह से उसकी नाम निकलेगी तो वो भी थोड़ी ऊपर आएगी, तो इसमें उसकी चर्चे होंगे ना यार, वही ये बात. मैंने हमेशा आपके मुंह से एक बात सुनी है कि इंसान को जो है हमेशा
नीचे रखकर अपने आप को सोचना चाहिए, ऊपर नहीं, तो आप ये चीज क्यों बोलते हो हमेशा? क्योंकि ऐसा होता है यार, जब जब कोई इंसान नीचे होती है, ठीक है, मतलब ऊपर जाने से पहले, तो अभी मैं इधर हूँ, ठीक है, मतलब टिकटॉक में लाइव आने से पहले या अभी कुछ जो है, जो गाना कर रहा हूँ, जो आपने यूट्यूब में अच्छी खासी हो रही है व्यूज वगैरह, सब मेरी हमारे जनते वगैरह सब पैर पैर करने वाले, पहले मेरे पास ये नहीं था, तो मैं इसके लिए बहुत तड़पता था, ठीक है, तो तब मैं करने के लिए सब कुछ रेडी होता था, अब मेरे पास सब मिल गए मुझे, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मैं ये ना करूँ, अरे मेरे तो ये ना यार क्या ही करूँ बोल के इसको इग्नोर ना करूँ, ये इग्नोर करने की वजह से ये सब चल जाती है, तो इसीलिए जो ये आने से पहले थी होने के बाद ही वही रहना चाहिए इंसान को, तभी मतलब इंसान वो मेंटेनेंस हो पाएगा, उधर मेंटेन रह पाएगा और खुद का अच्छा हो पाएगा। तो आपको मतलब कब रियलाइज हुआ कि यार आई एम गेटिंग फेमस, पीपल आर लाइकिंग मी, हाउ, लाइक कैसे आपको ये रियलाइजेशन हुई? बिकॉज आई फील लाइक के आप रातों रात फेमस हुए, है कि नहीं? रात में तो रात ही रात तो कैसे आपको मतलब कब रियलाइज हुआ कि यार इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग हो गई है, पीपल वांट्स टू टेक पिक्चर, पीपल वांट्स टू टॉक? मुझे मतलब वो पिक्चर ज्यादा, मतलब लोग मुझे मिलके पिक्चर लेते हैं, कोई मेरे नाम जानते हैं, उससे मतलब मुझे फेमस नहीं लगा, मुझे फेमस भी अभी तक भी नहीं लगती, क्योंकि फेमस बंदे को फेमस ही फीलिंग नहीं यार, मतलब एक होता है ना इंसान की मुकाम, तो वहाँ पर वहाँ तक तो मैं पहुँचा ही नहीं हूँ ना यार, बस अभी तो शुरुआत है और करनी है, बस अभी 20 साल का हुआ हूँ, 21 की हो रहा हूँ जल्दी, तो सच्ची नहीं अभी तक अभी तक इज्जत कर रहा हूँ, मतलब एक सर्टेन प्लेस में पहुँच चुके और पुश करनी मुझे, तो मुझे तब एक बार जब मैं जाता था इधर हमारे मंदिर शाम को एक बार, मतलब जब मैं वीक फील करता हूँ या थोड़ी जो घुटन सी होती है ना, तब मैं जाता हूँ उधर की जो घंटे की आवाज़ जो आती है पंक्षियों की, तो वैसे ही उधर जाके बैठ जाता था शाम को। एक बार मैं बाइक से आ रहा था और उधर जाके बैठा, तो अंडे रहा था रात के ऐसे ही कुछ तकरीबन शाम के 8 बजे हाँ, तो 8 बजे आपको पता है इतने कितने अंदर रहते हैं, अंधेरा आ जाता है बिल्कुल, तो मैं उधर जाके बैठा था और मैंने हेलमेट पहना था, ठीक है, तो हेलमेट के जो आगे की वो ग्लास होती है तो मैंने ऐसे ऊपर किया था बस बस इतना और मेरी तब की क्या थी, अरे मतलब एक ही कपड़ा पहनता था घर में हो या बाहर में, लाइफ में भी एक ही कपड़े पहनते थे, रेड स्वेटर, हां घर में बाहर एक ही कपड़ा पहनता था, आज रात जो लाइफ में मैंने पिन पहना वही पहन के बाहर जाता था और दूसरी रात की लाइफ में वही मेरी, तो मैं बैठा था ऐसे फोन स्क्रॉल करके कुछ इधर उधर की बात देख के, तो जो इधर की टेम्पल है हमारी इधर, तो बाजू की उधर रहते पंडित और पंडित के बच्चे, तो आपको तो पता ही होगी, मतलब देखी होगी आपने अभी नेपाल में रही है कि लोगों की कितनी वो अपनी वो होती है स्ट्रगलिंग खाने के लिए रहने के लिए, तो उनकी जो बच्चे थे एक ऐसे कुछ वो था होगा एज में 15-16 साल का, तो वही उधर रहता था, तो मैं ऐसे बैठा तो आया उधर से मेरे सामने आया एक बार, मैं नोटिस कर रहा था बस ये साइड की विजन दिख रहा था, ठीक है, तो दिखती है ना ये साइड की, तो वैसे ही फोन यूज करके वो आ रहा था इधर आया बैठा उधर गया फिर से फिर एक राउंड मार के फिर आया इधर देखा फिर से गया उधर, तो फिर से आया तो मैंने इसे सर ऊपर किया देखा तो वैसे दिखता रहा, तो बस 2 सेकंड के लिए उसने, मतलब मैं पहले ऐसे था ना मेरे साथ नीचे, तो इसलिए वो कंफ्यूज रहा थोड़ा, उसको बस मेरे कपड़े से हो गई उसको, तो जब मैंने उसको देखा और 2 सेकंड के बाद मुझे देखने के 2 सेकंड के बाद वो आया कूद के उधर से, आप तो आई सुना यार आइस दाई बोला, आइस दाई मतलब आइस भाई आइस दाई, हाँ बोला, तो उसने बोला कि मुझे फोटो खिंचानी है ये वो बोला, हाँ तो मैंने बोला ठीक है आइए, तो बोला कि रुको पापा से फोन मांग के आता हूँ, तो मैं समझा अरे यार इसके पास तो फोन भी नहीं है, अरे मतलब ऐसी जगह इधर रहता है ये वो, तो यहाँ तक पहुँचाऊँ मैं जो 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 इंसान के पास कुछ नहीं है उनके दिल में मैं हूँ टाइप का वो फील हुआ, तो तब लगा था मुझे पहली बार,
वी हैव सीन के आप सोशल वर्किंग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और आप करते भी रहे हो, और मतलब आपने अपनी इस फेम को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया लोगों की हेल्प करने में, और मतलब आपको सिर्फ लोग नेपाल में ही नहीं जानते, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई में ज़्यादातर लोग आपको जानते हैं, और जब आप सोशल वर्किंग करते थे तो आपको हर तरफ से ही लोग मतलब आ जाते थे आपको हेल्प करने के लिए और आपके साथ आने के लिए, तो आप मतलब क्यों, मतलब मैंने नहीं देखा कि थी इतनी मतलब यंग एज में किसी के भी दिमाग में ये चीज़ आए, आजकल तो लड़के मतलब अपना देखते हैं सिर्फ, सब लोग अपना अपना देख रहे होते हैं, सो आपको कैसे ये सोशल वर्किंग करने में आपको नहीं नहीं मैं भी अपना ही देखता हूँ, बस डिफरेंट ये है कि मतलब मैं दूसरे में अपना देखता हूँ. तो ये जो सोशल वर्क बोलते हैं आप, इसका क्या कहानी है कि मतलब सोचता था यार मैं पहले, मतलब जब खुद के पास नहीं होती थी ऐसे देखिए, मतलब मेरी मम्मी बाहर थी, घर में कोई नहीं थी, तो मैं हॉस्टल बैठा था और बस मेरे घर से इतना ही हो पाता था कि हॉस्टल की फ़ी, वो भी देर देर से होती थी, हॉस्टल की फ़ी, स्कूल की फ़ी, पढ़ाई वढ़ाई और जो स्कूल की ड्रेसेस है वही, और मेरी दोस्ती की क्या होती थी, उनके पेरेंट्स आते थे, खाना वाना लाते थे जो उनको चाहिए, मतलब तब क्या होती थी एक ज्योमेट्री बॉक्स भी बड़ी लगती थी, नए किसी के नए उसकी नया ज्योमेट्री बॉक्स आ गई पर मेरे पास एक जो बस बैग में डालता हूँ, पेंसिल बैग में डाला, सब कुछ बैग में डाला और चला. तो अरे ऐसी ये एक बात हो गई, और घर की बात करें तो रेंट रेंट में रहते थे हम पहले, तो उतना वो अच्छी नहीं थी खाने वाने से लेके, मतलब अच्छी नहीं थी, इतना भी अच्छी नहीं थी कि मतलब ठीक ही था, गुजारा होता था, पर वो नहीं होती थी कि मतलब खुल के करे कि मतलब ऐसे भी नहीं कि सब पैसे फेंके ही हो, पर जो होते ना आप मतलब खुद को सेटिस्फाई हो वो टाइप का नहीं था. तो मैंने सोचा था कि हम तो ऐसे यार, तो जो हमारे हमसे भी नीचे जो होते हैं ना, जो देखता था मैंने, तो उनके पास तो क्या हो गया यार, और कितनी डिफिकल्ट हो रही है, हमें तो इतनी डिफिकल्ट हो रही है यार, जो हमारे पास इतनी कुछ हो रही है खाने वाने की तो हो रही है अभी फिलहाल, तो उनके पास तो और क्या होगी यार, मतलब कितनी और कितनी डिफिकल्टी होगी उनकी लाइफ में, कैसे गुजारे कर रहे होंगे. तो जो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिली उसके बाद तो मैंने सोचा यार कुछ अपने तरीके से करते यार, क्योंकि 15,000-20,000-40,000 लोग होते हैं, ठीक है, तो हर एक बंदे से बस एक रुपया भी मिल जाए ना तो 40,000 हो गई, तो 40,000 एक घर में दिए तो वो लोग यार एक महीने तक यूज कर सकते हैं यार आराम से. जो इंसान मतलब वो जो लेबर के काम करके नेपाल में दिन की 500 कमाते हैं, ठीक है, दिन का 500 मिलता है, तो महीने के कितने हो गए 15,000. तो ये इंसान को मतलब 40,000 दे दी, इसी दिन वो कितना चला दे, कितना मतलब गुजारे करेंगे यार उससे, जो 15,000 से महीने के दिन के 500 से गुजारे करते वो 40,000 देंगे तो और कितनी होगी, तो उनकी मतलब दुआ भी मांगी, दुआ सबके सबसे मेन बात ही है ये दुआ. तो जिसकी जिसकी वो मुश्किल होती है, ठीक है, तो उन लोगों के मुँह से जो दुआ निकलती है दूसरे को वो लगती है, जिसकी आंसू आती है, जो मतलब दुख में और जो मतलब रो रहे होते हैं दुख की वजह से, उन लोगों की दुआ लगती है. तो इसीलिए मैंने वही सोचा मेरे पास है तो कर लेते यार, अच्छी तो बात है. सो यू बिलीव के लोगों की दुआएं, लोगों की ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वही ब्लेसिंग्स लेते गए तो इतना यार अभी तक, जो मतलब अच्छे बोलते हैं कितनी अच्छी, क्योंकि मुझे बस इतना है कि होंगे कुछ लोग बुरा चाहने वाले, वो तो जरूर होते हर किसी चीज में, पर मेरे पास मुझे बस इतना है कि बुरे लोगों से ज्यादा प्यार करने वाले लोग हैं हमारे, ठीक है, सही, तो उनकी दुआ यार लगती है, वो बुरे वाले की दुआ मतलब जो क्या बोलते इसको, बुरे वाले की जो बोलते बद्दुआ, हाँ, जो बुरे वाले बद्दुआ देते हमारे अच्छे दुआ से मतलब उनकी नहीं लगती, पहुंच नहीं पाती, नहीं पहुंच नहीं पाती, वही है, सही बात है. हाँ, तो अभी ये काफी सीरियस के बाद एक शॉर्ट Q&A हो जाए आपका. आर यू रेडी? ठीक है. योर रियल नेम? आई सिंह ठाकुरी. ओके. योर एज? 20. योर फेवरेट कलर? ब्लैक व्हाइट, और मेरी पार्टनर जब रेड पहनती है वो. ओह रियली? ओके. बर्थ डेट? 2059. ओके. आपका फेव एक्टर?
positive actor. It can be from Hollywood, Bollywood, even from your industry. But you can't take your partner's name, okay? Because she's not an actor. मेरे फेवरेट एक्टर हर कौन होगा मतलब अच्छा तो लगता है शाहरुख खान अच्छा लगता है एसआरके ओके आपका फेव पर्सन लाइक इन योर सर्कल और सम लाइक आप उनको बहुत लुकअप करते हो उनसे हर एक चीज में वो करते हो एंड वो आपके दिल के बहुत करीब है मेरी दादी दादी ओके फेव ब्रांड यू वेयर द मोस्ट ब्रांड है तो मैं मतलब कुछ पहनता ही नहीं हूँ झूठा गुच्ची नाइकी के अलावा कुछ पहनता तो वो तो गिफ्ट है ना यार गिफ्ट आया तो मतलब क्या मैं तो एक सोना ही पहन लूँ पूरी यार तो फेवरेट अभी अभी के लिए तो फिलहाल उबा है हमारी नेपाली ब्रांड उबा ओके डू यू हैव एनी फोबिया नो नहीं कुछ नहीं तो वो पानी का क्या था बस मुझे शर्म आ रही थी शर्ट उतारने अच्छा आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाल चड्डी का क्या सीन है वो काफी फेमस है व्हाई अरे वो फेमस है कुछ नहीं है बस इसी है कि बस लाइफ में कुछ मेरी वो हो गई थी इंसिडेंट छोटी मोटी मुझे पता नहीं थी पर मैंने पहना हुआ था ब्लू पता नहीं तुम्हारे मुझे क्यों लाल आ गई दिल वाली चड्डी थी वो और मैंने नहीं वो आपकी पार्टनर ही चिल्ला चिल्ला के बोली थी कि आयुष आपने दिल वाली चड्डी पहनी हुई है हाँ तो दिल वाली चड्डी और वो लाल वाल करा दिया उसके बाद दूसरे दिन में लाल चड्डी पहन के आया पर वो चड्डी नहीं है वो उसको बोलते है हाफ पैंट वो हम मतलब मेरे मामा जब हांगकांग गए थे तब वो बीच में वही पहन के आए थे तो मैंने ले ली अब वो परमानेंटली मेरी हो गई यार टेग हो गई एक ऐसी कंट्री जहाँ आप विजिट करना चाहोगे मेरी मतलब विजिट करने के लिए उतना वो नहीं यार मतलब वो क्या बोलते हैं उसको मतलब आपको ट्रैवलिंग इतनी पसंद नहीं है ट्रैवलिंग नहीं क्योंकि पैसे खर्च मुझे मतलब हर एक चीज वो पसंद नहीं जिससे पैसे ज्यादा खर्च हो ठीक है क्योंकि जब पैसे खर्च करने की आदत लग जाती है अच्छा। तो वैल्यू नहीं होती पैसे की और वो मुझे उस बात में नहीं जाना क्योंकि जब नहीं थी तब बहुत वो हुई थी ना तो इसीलिए तो फिर भी लेकिन आपको ही तो कंट्री होगी GoPro की चार्जिंग खत्म हो गई थी आई एम सो सॉरी आई होप यू अंडरस्टैंड फिर आपने वो स्टैंडर्ड मेंटेन करो और सर स्टैंडर्ड वाली होनी चाहिए अरे मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है ठीक है तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब फिर भी कोई कंट्री आपको विजिट करनी हो तो पहले तो नहीं था पर अभी तो वही है क्या हमारी दुबई क्यों बस वही है कि मतलब करीब रहना है किसी किसी के साथ तो ओके ठीक है सबसे अब आपको जो है ना ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है ठीक है ये काफी हमने देखा है कि आप एक लड़की के साथ लाइफ आते हैं क्या नाम है उसका एलजी जमाली कौन है वो दोस्त है हमारे टिकटॉक की पार्टनर है और सिर्फ दोस्त रियल लाइफ की पार्टनर कैसे रियल लाइफ की पार्टनर व्हाट डू यू मीन जैसे होती है यार जिसकी मतलब हाथ पकड़ के चलते और जब एज हो जाती है वही मतलब चमरी हुई गाल लेके हंसते साथ बैठे आगे देखे कि चिंटी चिंटी खेल रही है वही यार झगड़े करे लड़ाई करे हंसे नाचे गाए तो कैन यू एक्सप्लेन कैन यू डिस्क्राइब योर फर्स्ट लाइफ विद हर लाइक क्या था कैसे फील हुआ आपको एंड व्हाई हर आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज थी ऑफ कोर्स यू आर यंग यू आर हैंडसम आपको तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे नहीं है अरे क्यों तुम बोली कि मतलब अपॉर्चुनिटीज है कितनी सारी है ये सब हुआ मतलब उसकी वजह से तो है ना यार जिसकी वजह से ये सब अपॉर्चुनिटीज हुई जो लोग मुझे पहचाने लगे आज जो लड़की अभी क्यों मुझे मेरे पीछे जो मतलब होंगे कोई मतलब जो तुमने बोली मतलब ये तो नहीं फिलहाल जो तुम सोचती हो आप सोचती हो सॉरी आप सोचती हो मतलब वो प्यार करती है वो प्यार कैसे करने लगी जो अभी मुझे जो मिला है मिलने से पहले तो मतलब ना मिलने से पहले तो कुछ था ही नहीं तो जब कुछ नहीं था तब वो थी अब सब कुछ दे देते सब है वही है तो अब जब आपके पास सब कुछ है तो आप उसको सब देना चाहते हो जो मेरा है वो उसका ही है तो इतनी इम्पोर्टेंट है तो वो आपके साथ आई क्यों नहीं हमने सुना है कि उसमें बड़ा एटीट्यूड है तो बात वो क्यों नहीं आई
आइए ना, छुपा के रखता हूँ वो दिखाने के दिल नहीं। क्या ये बात सच है कि आप उसको लेके काफी प्रोटेक्टिव हो? वो ये तो पता नहीं, अब दिल जो करता है वो अब दिल को पता होगी। आप कोई सिचुएशन, आपकी एक वीडियो थी जिसमें कोई आपको दूर से वीडियो शूट कर रहा था एंड देन आप उसको ऐसे कर रहे थे कि कैमरा थोड़ा दूर रखो करो। हाँ वो बात यार, हाँ वो लोग बोले थे कि एटीट्यूड ये वगैरह, पर एटीट्यूड नहीं है। अब अगर आप समझते हैं तो एटीट्यूड आना तो करिए। अब 10 लोग भी मेरे सामने आके ऐसे बिना ही बजाय मतलब कैमरा ऐसे करे तो मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब बस मुझे कर रहे ठीक है, पर वो थोड़ी वो हो जाती है यार, अंदर से आ जाती है। मतलब उसको लेके आप प्रोटेक्टिव है? आ जाती है, ऐसे ऐसी आती है। अब ये या नहीं हो तो दिखने वाले को दिख रहा है, दिख रहा है। हां तो दिखती होगी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब सभी के दिमाग में होता है, अलीज़े को आपने मतलब रिंग जब दी, आपने उसको रिंग दी है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल। तो वो आपने उसके फेस देखे बिना उसको रिंग दी? हाँ। क्यों? कैसे क्यों यार, फेस में है क्या यार? मतलब वो आने के बाद काफ़ी कुछ समझ लिया हूँ। तो पहले सोचता था कि अच्छी सी लड़की, सुंदर सी गर्लफ्रेंड होना चाहिए। अब सोचता हूँ कि अच्छी सी लड़की, सुंदर सी लड़की नहीं, शक्ल से नहीं, दिल से होना चाहिए। पहले शक्ल में था सोच, अब दिल में वही है। तो सो यू मीन लाइक शी इज नॉट प्रिटी? हैव यू सीन हर? बिल्कुल क्यों नहीं देखा। देखा है आपने उसे? जरूर, मसाला मैं तो नहीं लगा। सो लाइक वो आपने कैसे सोचा था उसे और वो कैसी निकली? मैंने सोचा ही कुछ नहीं था यार, कुछ था ही नहीं यार। मतलब दिमाग में कुछ आती नहीं थी, क्योंकि मुझे दिमाग में लेने भी दिल नहीं करती थी, क्योंकि मैंने बस इसका इतना देखा था। तो उसके नीचे की मैं सोचता ही नहीं था। क्यों नहीं सोचता था? क्योंकि बस मेरी इतनी तक ही जाती थी। जैसे कि अगर खुदा ने किसी मतलब जो हमें बनाया है, अगर उस उनने ये सब तो उनने बनाई ना यार, ये जो बनाई है, अगर उनने बस इतना ही बनाई होती थी तो हम उससे नीचे की सोचते कभी नहीं थे। तो मेरे लिए भी वो वही थी, न्यू बॉर्न टाइप की जो खुदा ने बनाई थी। तो मैंने बस उस पर इतना ही, मेरे लिए उसमें इतना ही काफ़ी थी। तो जब उसके वो देखा तो तब पता चली कि ये भी होती है चीज़। तो वही है, इससे पहले तो बस उसमें ठीक थी। तो आप मतलब आपने कुछ भी नहीं सोचा हुआ था कि वो कैसी होगी कैसी? तो आपको डिफरेंट नहीं लगा कि यार ये बिना नकाब के मैं कैसे कंफर्टेबल हूँगा उससे? और मतलब इट्स शी इज़ अ होल डिफरेंट पर्सन विदाउट अ नकाब और समथिंग लाइक दैट? वही तो बोला ना यार, मतलब नकाब पहना हो या ना हो उसे कोई लेना देना ही नहीं। बस यही मतलब मैं थैंक यू कहता हूँ यार खुदा को कि बहुत अच्छी निकली। अगर ना निकलती तो भी ठीक थी, क्योंकि उसके दिल बहुत साफ है, अच्छी है। जब अलीज़े नेपाल आई आपको कैसा लगा? ख्वाब। ख्वाब? मैं सोया नहीं था वो दिन। uh-huh. फिर मुझे ख्वाबी लग रही थी। जब लोग इनसे बंदा सोता है तभी मतलब ख्वाब दिखता है। uh-huh. पर मैं आंखें खोल के ख्वाब देख रहा था। एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट में उसको देखा, लग रहा था ख्वाब है यार। तो पहली बार ऐसे ख्वाब में आई है इतनी सुंदर चीज, मजा ले लेता हूँ। बस इसे चला अभी तक मजा ले रहा हूं। तो आपने सोचा था कि जब आप दोनों साथ होगे लाइफ मतलब एक साथ होगे तो लोग आपको इतना प्यार करेंगे, आपने सोचा था? बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं। मैंने जो हमारे फर्स्ट लाइफ थी साथ में हुआ हुआ, फर्स्ट का वीडियो थी उसमें 1 मिलियन मसाला 1 मिलियन आए थे। हाँ। जो हमारे व्यूज थे कसम से। मतलब सोचता हूँ कभी कभी मतलब हम है क्या, हम तो कुछ नहीं है। जो मिला है मतलब सबकी देखने से और सबकी सोच से मिली है। ओके आपको मतलब कैसे कंट्रोल करते हो आप जब आपको कुछ फैंस मतलब कुछ फैंस अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं, आप कैसे कंट्रोल करते हो? कोई ऐसे कोई फैंस मिले आपको कि कुछ साइको फैंस होते हैं, कुछ ऐसे फैंस होते हैं जो लिमिट क्रॉस कर देते हैं, तो आपको मतलब कैसे आप कंट्रोल करते हो अपना एंगल? बिकॉज वी हैवंट सीन यू कभी भी एंगल में। नहीं वही बोला ना, एंगर में कभी दिखी नहीं हो, क्योंकि मुझे कुछ फीलिंग नहीं होती। लिमिट क्रॉस करे तो भी ठीक है, क्योंकि माँ एक बच्चे को पैदा करते है, ठीक है। उसका बच्चा कहीं पे कूद जाए, किसी की मतलब दरवाजा फोड़ दे, शीशा फोड़ दे, तो वो तो लिमिट क्रॉस हुई, ठीक है। तो बताया जाए तो, पर माँ को तो
कुछ नहीं होती ना, क्योंकि माँ ने उसको पैदा किए वो, तो मेरे लिए वो फैंसी वही है, वो सब जो कमाया वो सब मैंने पैदा किया हूँ, तो इसी हिसाब से मतलब मुझे तो कोई लगती नहीं यार, जो करे करे, बस ये है कि कुछ बुरी काम ना करे जो खुद को बुरा हो, बाकी सब तो मतलब खुद है मेरे ऊपर, जो भी करे ठीक है यार कर लो यार, तुम्हारा ही हूँ, तुमने ही बनाया मुझे, वही लगती है। आपकी फैमिली कैसे मतलब रिएक्ट करती है आपको इतना माशाल्लाह सक्सेसफुल देखकर, और जब आपके फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं, और हमने तो सुना है कि कुछ इंटरव्यूज देने के लिए आपके घर तक पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में मैंने बोला था आपको कि मैं इंटरव्यू कभी नहीं दूंगा, दूंगा तो उसके मैं दूंगा, ठीक है ये काफ़ी है, ये जितना उसने इधर इंटरव्यू ली, क्योंकि मतलब 10-12 चैनल से जाके इंटरव्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, बाद में होंगे तो करेंगे, अभी तो मतलब बस एक ही है कि अपना जो है चल रहा है, जो कुछ है, जो कुछ फील कर रहा हूँ वही बताने की, तो इसी जरिए से कर रहा हूँ, तो इससे बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो क्या थी प्रश्न मतलब, क्या आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है इस बात में? हाँ फैमिली कैसे रिएक्ट करती है? मैं खुद ही रिएक्ट कर पा रहा हूँ, फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी? मतलब दादी बहुत यार, मतलब दादी को बहुत वो एक बड़ी चीज लगती है दादी को, मतलब फैमिली को सबको तो मतलब अच्छी फील है, ये बहुत कुछ किया है यार, अभी तक जो कमाया है बहुत अच्छा कमाया है, बस इसका कुछ ऊपर नीचे कुछ कभी ना हो, बुरे चीज किसी की नजर ना लगे, ये बोलते हैं तो बस ये। पर मैं दूसरे की फील करता हूँ, ठीक है, हर एक फैमिली की फील करता हूँ, पर सबसे ज़्यादा फील दादी की होती है, और करने की दिल करती है, जो दादी बस हंसती है तो ख़त्म, और करने की दिल करती है। मेन क्वेश्चन, क्या आपको लीजे पसंद है, मतलब यू लाइक हर और यू लव हर? आई फील हर। यू फील हर? जैसे लोग क्या होते हैं कि जैसे आपको जुकाम आई, मैं फील नहीं कर सकता, मुझे एक जुकाम आई तो मैं फील कर सकता हूँ, बस यही है बात कि मैं खुद को भी फील करता हूँ और इसको भी फील कर सकता हूँ, ये इतना दूर है कि भी हाँ। ओके, इन फ्यूचर यू सी योरसेल्फ एज अ बिजनेसमैन, या फिर आप जॉब करोगे, या फिर यूट्यूब, या फिर हाउ इज योर माइंडसेट? जब तो बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि जब मुझे मतलब वो नहीं लगती, मतलब आप किसी के अंडर अगर कोई मतलब वो सिचुएशन आ गई कि करनी है तो बिल्कुल करूँगा, क्योंकि तब तो कुछ कर नहीं सकते, अपने पेट पालना है, अपने दादी माँ को देखना है, सबको देखना है, तो जब तो करूँगा नहीं अभी फिलहाल, और यूट्यूब वगैरह और ये सब इसको साथ ही लेके जाऊँगा, जा पहुँचूँगा, और मुझे करनी, मेरी जो थिंकिंग थी वो मुझे खुद का कुछ करनी है, और खुद का क्या होता है बिजनेस होती है, बिजनेस वगैरह ऐसे कुछ, तो मेरा करूँगा तो बिजनेस करूँगा अच्छी खासी खुद का, एक कपड़े वपड़े या कुछ। सो आप अपना बिजनेस जब स्टार्ट करोगे वो आप फौरन रिवील कर दोगे, या उसको पहले रन करोगे और बाद में रिवील करोगे कि भाई मैं भी बिजनेस मैन हूँ, मेरी अभी क्लोथिंग ब्रांड है? नहीं नहीं, मैं रिवील नहीं करूँगा। आप रिवील नहीं करोगे? आप पहले से अभी मैंने कर रहा हूँगा तो लोगों को तो पता नहीं होगी ना। हाँ। क्या पता कि अभी भी कर रहा हूँ, करना ही क्या हमें क्या पता, अभी तो किया ही नहीं ना क्या, क्योंकि मैं क्यों नहीं रिवील करना चाहता, क्योंकि खुद की वो जो मतलब यूज नहीं करना चाहता हूँ यार मैं, जो मुझे मिली है लोग, और मतलब कुछ खोल दिया और मेरी 10 सामान बिकनी है तो 10 तो क्या 10,000 भी बिक जाएंगे, मुझे इतना भरोसा आती है, पर मुझे वो अपनी पावर यूज नहीं करनी अभी, क्योंकि लोग को अच्छे भी आने चाहिए ना यार, लोग बस प्यार करते तो इसीलिए नहीं जबरदस्ती की नहीं करना चाहिए, खुद का करूँगा अच्छा लगेगा, जैसे कि टिकटॉक में हमने खुद कमाई, खींच खींच के नहीं लगी ना, तो उसी टाइप में उसका भी खुद का करूँगा, खुद आएंगे खींच के नहीं लेंगे, वही है, बाद में पता चलेगी जब अच्छी खासी होगी तब होगी। आप कहाँ पर मतलब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पे सेटल होने का सोचते हो, या फिर नेपाल इज फाइन विद यू, और व्हाट्स इन योर माइंड? सोच तो रहा हूँ सेटल होने के लिए, ठीक है, अभी पहले नहीं थी, हमारे उधर पाकर के साथ, ठीक है, क्योंकि क्या है कि बात, नेपाल नेपाल बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट तो बेस्ट नेपाल,
पर बात यह है कि थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह अभी लगेंगे थोड़ी टाइम, और इस अभी जो बेस्ट है उससे भी और बेस्ट होने के लिए. तो मुझे क्या है कि मतलब खुद का हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, उसकी सिक्योरिटी के लिए मैं मतलब उधर रहूँगा जब तक नेपाल में वो नहीं होगी. यू मीन अपनी पार्टनर की सिक्योरिटी के लिए? क्योंकि नेपाल में इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि आपने तो आपको पता होगा कैसे खींचते पड़े कि जी जी तो मुझे कैसे खींची थी एक लोग ने, और मैंने कुछ नहीं कहा ठीक है यार खींचो क्या होगी गला है मतलब ये दबा दो टूटे जा दो. लेकिन उसको नहीं. हाँ उसको नहीं, उसको नहीं. ओके तो आपकी फैमिली इज सपोर्टिव इस फैसले में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. आपकी फैमिली को कैसी लगी आपकी पार्टनर रीजन? बहुत प्यारी. वो उनसे क्लोज हुए? हाँ बहुत, क्यों नहीं हुए. लाइक दोनों फैमिलीज क्लोज है या फिर वो सिर्फ मतलब टिकटॉक्स में ही क्लोज दिखते? नहीं नहीं नहीं, टिकटॉक्स में क्लोज नहीं दिखते. बस हमारी जनता की माने थी कि टिकटॉक में साथ दिखे, इसलिए हमारे दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर हम डाल दिए. ठीक है, मतलब मामा लोग ने डाल दिए, यूट्यूब में हमने डाल दिए. तो हमारी जो फैमिली है बहुत मतलब नहीं लगता है डिफरेंट रीजन डिफरेंट ये वो. हाँ. सब एक ही लगती है क्योंकि एक ही खाते एक ही पीते एक ही जगह सोते, मतलब सोना भी एक ही जगह घर में सोते, और खाना भी वही खाना ही है जो खाते, सबके पेट भरना चाहिए इंसान है. तो एक ही है बस, ये रिलीजन वगैरह इधर उधर की बात कुछ मायने नहीं रखती. आज मैं मामा केम सो आज बिलाल ने वही ड्रिंक पी हुई थी एंड देन ही वाज लाइक मामा आप पियोगे, तो वो एक ही जूस से दोनों हाँ, पी रहे होते तो एक ही है. उठा उठा कुछ नहीं चलता, कुछ हुआ उसके बाद कुछ नहीं. मामा की मुँह से खून निकल गया या मामा मतलब कहीं जाके मतलब केरे के छिलके में चले कुछ हुआ? बिलाल बेहोश हो गया क्या? बिलाल भाई मतलब कहीं जाके पात निकल गई? नहीं कुछ नहीं होता. ओके सो व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम? बिगेस्ट ड्रीम धूमधाम से सारे संसार को दिखा के शादी करे. रियली? हाँ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है ना यार थोड़ी. uh-huh. मतलब अपने अंदर अंदर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर थोड़ी बहुत है अंदर भी. पर सो डोंट यू थिंक दैट आपने ये सोचा था कि शायद हमारी फैमिलीज अच्छे से घुलेंगी मिलेंगी नहीं, बट वी हैव सीन के अलीजे की और आपकी फैमिली तो काफी अच्छे से घुल मिल गई. हाँ तो वही तो है, काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें खुद ही ऑटोमेटिकली हो रही है. सो वही यार बोलते हैं ना दिल से चाहो तो कायनात देखो ना, वही बात है. हाँ दिल से चाहते हैं तो सब खुद हो रही है. सही, कुछ चीज करने भी चाहिए पर हमारे तो हो रही है, कुछ चीजें अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह. ओके मेन क्वेश्चन जो मतलब काफी हेट भी मिलता है आपको रिलीज को इस चीज से, मतलब काफी लोग बोलते भी हैं ये चीज क्योंकि आप लोगों के फैंस भी हैं हेटर्स भी हैं. So, a lot of people ask ke you and Eliza are together because of fame. Is it true or you guys see a future together? ये बात को मतलब मैं किस तरीके से बोलूं? जो लोग बोलते कि फेम के लिए ये वो, अब मेरे बोलने से कुछ नहीं होगी पर मैं मेरी बात करता हूँ ठीक है. मैं मतलब ऐसे कैरेक्टर का इंसान हूँ कि मतलब मुझे फेम वगैरह शो ऑफ करने की कभी दिल नहीं है. uh-huh. और शो ऑफ करने की दिल होती है तो मैं मतलब बहुत कुछ कर सकता हूँ. uh-huh. पैसे के मामले से नहीं और चीज़ों से भी जो अपने जान पहचान के इधर उधर ठीक है. तो ये शो ऑफ करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है. और जो सोशल मीडिया के लिए वो बोलते आज है कल नहीं, ये चीज़ ये ट्रूथ है बहुत, आज है कल नहीं. और उसके साथ की जो चीज़ें वो हमेशा है, तो इसलिए ये शो ऑफ के लिए वगैरह जो बोलते उसके लिए बस ये बोलना चाहता हूँ कि करते जाएंगे हम शो ऑफ जब तक आपकी अंतिम सांस चली. सो यू मीन के यू एंड एलिजा विल कंटिन्यू बीइंग टुगेदर मे बी इन फ्यूचर एज वेल? मे बी नहीं, श्योर. यू आर श्योर? व्हाट अबाउट हर? इट्स अपन हर. श्योर श्योर. ओके जब अलीजा नेपाल से जाएगी सो आप कैसे अपने आप को वो अपनी डेली रूटीन में कर पाओगे? बिकॉज आई थिंक नाउ इट्स बीन 10-11 days, तो रोज एक ही बंदे को देखना, साथ खाना खाना, नॉट सिर्फ अलीजे लाइक उसकी फैमिली आपकी फैमिली, तो कैसा लगेगा आप? कैसे कंटिन्यू करोगे अपनी नॉर्मल रूटीन को, कैसे कंटिन्यू करोगे?
थोड़ी तकलीफ तो होगी जरूर, तो वही है ओवरकम करनी चाहिए उसको वो चीज़ को, क्योंकि बाद में खुद का नहीं चलता ना। वैसे भी आपका दिमाग नहीं चलता, मतलब जितना हो सके ओवरकम करेंगे, पता ही नहीं होगी ओवरकम, फिर भी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और दिखाएंगे, बस वही है। आपको कैसा लगेगा कि पहले आप दोनों साथ साथ लाइफ आते थे, फिर वो कैमरे की उस तरफ चली जाएगी और आप इस तरफ आ जाओगे? वही ना यार, कोई मसला नहीं, क्योंकि दिल में ठान लिया है कि मतलब जैसे भी बाद में साथ ही रहना है, तो अभी थोड़ी मतलब डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं होती। So you believe... बस ये कि अपनी ट्रस्ट है इसमें खत्म। So you believe सबर का फल मीठा होता है। मीठा होता है। Okay, good, good. आपने अपना इंटरव्यू ऑफिशियली, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं, इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं विद मिलियन ऑफ फॉलोअर्स, कितने देख लिए आज दिन में इतनी कॉल्स आती हैं आपको, और जब से अडीजे आई है तब से आपको और कॉल्स आ रही है, लाइक इधर इंटरव्यू उधर इंटरव्यू, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, व्हाट इज द मेन रीजन? अरे मेन रीजन क्या थी, बस जो पहले की टाइम थी, तीन या चार चैनल्स थे नेपाली न्यूज चैनल्स, तो थोड़ी उन लोग ने मतलब वो एक दिखा दी जो होती है बिजनेस टाइप की, तो मुझे वो दिल पे लग गई। ओके। और तब से मतलब मेरी एक हो गई कि सेट की ये इंटरव्यू काम की भी नहीं है ना चीज, कि बंदा एक जगह पास गया और जाए इंटरव्यू दिए, मुझे मतलब ये बिल्कुल ठीक नहीं लगती, क्योंकि बस अपनी काम करते जाओ और कमाते जाओ, अपने जो प्यार मिली है वो सबको संभाल ले रहो, क्योंकि बीच में जाके इंटरव्यू देखे कुछ उससे कोई काम नहीं है, क्योंकि लोगों को तो आजकल मतलब सोशल मीडिया से कुछ बोलना चाहिए तो इंटरव्यू से, बस इंटरव्यू से नहीं होती यार, कुछ मतलब फोन जी को वीडियो बनाओ डाल दो, देखने वाले देखेंगे प्यार करने वाले करेंगे, तो इंटरव्यू से मतलब मुझे यही मसला है कि मतलब अच्छी नहीं लगती, वाइब नहीं मिलती और बैड वाइब्स आती है, वही बैड वाइब्स आती है। और जिंदगी में बस यही चीज़ से सबसे वो है कि इंटरव्यू मतलब करनी नहीं अभी फिलहाल, बाद में देखेंगे अच्छी वाली इधर उधर जो मतलब अपने इंसान की जैसे कुमार में की बॉन्डिंग मैटर्स। एंड आई फील लाइक के जो बिजनेस मतलब ये तो हम ऐसे ही करें बिकॉज ये तो हम अपनी जनता के लिए कर रहे हैं, तो अगर आप किसी ऑफिशियल पेज पर आकर जाकर पूछोगे तो मे बी वो आपसे कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी पूछेंगे, मे बी इट कैन बी अबाउट रिलीजन, मे बी इट कैन बी अबाउट योर लाइफ पार्टनर। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सोच समझ के इतना ये यहाँ तक पहुँचे, बहुत सोच समझ के तुम नेपाल आई हो, आसान नहीं है, होंगे पैसे आने के लिए पर बस पैसे से नहीं होती, बहुत ज्यादा चीज भी होती है पीछे की, आउट ऑफ द आफ्टरवर्ड्स का भी, हाँ बाद में की भी बात सोचनी पड़ती है, आने से पहले से आने के बाद इधर से जाने के बाद की बात बहुत चीज सोचनी पड़ती है यार, तो इसलिए इतना छोटी मोटी कंट्रोवर्सी रीजन वगैरह कुछ मायने नहीं रखती। जब पापा रिलीज लाइफ नहीं आते हो बहुत सारे लोग सो नहीं पाते, अब जब मैं लाइफ ना जाता हूँ तब मैं भी सो नहीं पाता हूँ। अब दोनों के दूसरे की आदत हो गई है। हाँ बिल्कुल, अब तो हम इसलिए मतलब ऐसे होती कि मतलब मैं भी सो नहीं पाता हूँ यार, तो भी लाइफ क्यों नहीं जाता, क्योंकि बहुत इमरजेंसी हो जाती है, इमरजेंसी मतलब कभी कभार लाइफ है यार, हर एक दिन सेम नहीं होती, कल कुछ था तो आज कुछ है तो कल कुछ नहीं रहेगी, इसी टाइप की होती है, तो वही काम वाम। तो जैसे आप अभी लाइव सेशंस लेकर चल रहे हो, तो आप इन फ्यूचर ऐसे लाइव सेशंस लेकर चलोगे या फिर यू विल बी फोकसिंग मोर ऑन योर करियर, हाउ इट इज लाइक इसने करियर भी बना रही है मेरी, ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब खुद की करियर भी करियर में भी मतलब एक हो रही है, इससे पुश हो रही है, तो इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं, जैसे एलजी को नहीं छोड़ूंगा। तो यू विल कंटिन्यू जरूर इंशाल्लाह, लाइफ हो या ना हो पर जो मिली है जो जनता है उसको बस खुश रखूंगा, जो मेरे पास है वो उनको भी बांटूंगा। वही एक ऐसा हैप्पीएस्ट मोमेंट जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते हो, एक हैप्पीएस्ट मोमेंट मतलब कि यार ओ माय गॉड, मतलब वो सोच के ही आपके खुशी आ जाती है, हैप्पीएस्ट मोमेंट एक क्या है मेरे हैप्पीएस्ट मोमेंट, बहुत ज्यादा यार, अब तो यार पहले तो मतलब कुछ था ही नहीं, तो सस्ता ही नहीं था,
अब तो बहुत ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट है, किसको मतलब बस एक ही तो बोल नहीं सकता, जैसे कि तीन लोग को, जैसे घर में माँ को दादी को प्यार करता हूँ तो बस एक लोग को कह नहीं सकता हूँ उनके सामने, तो इसे हो रही है यार अभी तो फिलहाल। बहुत ज्यादा चीजें, पर एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, वही है जो आपने पलाई दूसरी हुई है कि मेरी दादी जब गाँव में थी अछाम, हमारे अछाम मतलब सुदूरपश्चिम नेपाल के अछाम, असम असम नहीं अछाम अछाम, तो उधर क्या होते पानी नहीं आते, ठीक है मतलब हमारे घर में तो पानी है टैंकी वगैरह है खींच के लेके आते, तो दादी हमारे घर में क्या हो गई थी एक बार आई नहीं पानी, तो पानी खत्म हो गई थी, दादी गई थी नीचे वो ऐसे पुश करके जो होते ना उससे पानी निकालने के लिए, तो दादी ऐसे पानी निकालने के लिए गई थी उधर घर के लिए खाना वाना बनाने के लिए, तो उसके बाजू में एक पुलिस स्टेशन है, तो उधर गार्ड वार्ड होते हैं पुलिस की, तो जब दादी गई वो पकड़ के वो जो होते सामान वामान, तो गार्ड ने देखा उनको सीधा आके दादी के हाथ से वो ले गए वो, तो बोला कि आप बैठिए मैं जाके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप बैठिए हम घर तक ले जाएंगे, वो जो हमारी पुलिस होती है, तो दादी बैठी उधर जाके बैठी पानी वानी दिए, पानी वानी पिलाई दादी ने, तो दादी के साथ बात करने लगी कि आपकी पोते आपकी ये वो ऐसे ऐसे, वो आपके फैंस दिखले, हाँ फैंस मतलब प्यार करने वाले बहुत, ओह माय गॉड, जिसे चाहने वाले, तो मुझे तो तब तो मतलब दादी यार दादी को ऐसे कह रहे होंगे जैसे लग रहा, और बाद में पता चली यहाँ रियली थी, तो बहुत उस दिन तो मतलब पता नहीं वो गई थी अंदर, प्राउड फील हुआ होगा, देखा हाँ वो प्राउड फीलिंग थी मुझे, देखा भी नहीं था मैंने, मैं उधर था भी नहीं, बस सुनने से मुझे एक गूज़बम्प्स टाइप की होते ना एक वो हो गई थी। कोई ऐसा हिडन टैलेंट आपके पास है? हिडन टैलेंट? हाँ जी, मैं असल में बोलते मैं खुला किताब हूँ यार, जो मेरी लिखती है वही है, मतलब कुछ सही नहीं जो छुपाया हूँ, मतलब खुद के दुख होंगे कोई गुजरा हुआ कल होगा, पर जो टैलेंट वगैरह इधर असल में कोई टैलेंट नहीं फिर भी बस सही थोड़ी वोरी मतलब अभी तक नहीं दिखाया हूँ मैंने किसी को, पर आर्ट वार्ट बना देता हूँ, ड्रॉइंग आर्ट, वाओ वही है ड्रॉइंग विंग दिखा देता हूँ, बट कैसे क्या करूँ, कुछ भी कुछ छवि बना के तो दिखाओ आप, पेन और पेंसिल इंस्टेंट क्या ही करना सकते हैं, कुछ भी, एक बार आपने मेरा स्केच बनाया था, हाँ तो वो तो बहुत बड़ा थे वही दिखा रहे हैं, नहीं वो नहीं दिखा रहा मुझे, अरे वही है, अंदर बहुत क्विक मतलब मैं सीख लेता हूँ हर चीज बात, हर एक चीज बहुत क्विक लर्नर, अंदर क्विक लर्नर, नाइस। इन फ्यूचर क्या अपना हेयर स्टाइल चेंज करोगे? बिल्कुल नहीं यार, पहले दिल कर रहा था चेंज करने के, तो स्ट्रेट बना रहा था तो फिर बाद में जाके ऐसी होती थी, तो अब वो टाइम वेस्ट नहीं करनी है मुझे, तो जो मिला है वही उसमें रहो, किसी में कुछ रहो, अगर मतलब ये टेढ़ी मिली है एक दांत टूटी हुई मिली है तो ठीक है यार उसी में कुछ रहो, मतलब पैसे डाल के मुझे वो बनाना नहीं है, ठीक है जो मिली है ठीक है। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा फेयर आपको है, मतलब किसी चीज से आपको डर लगता हो या कुछ ऐसा? मुझे हाँ, मुझे डर किसी चीज से अभी फिलहाल तो ऐसे तो पहले से कुछ नहीं थी, ये डर वर कुछ ऐसे तो कुछ नहीं थी, तो फिलहाल वही है कि खोना दूँ उसको, किसको, जिसको मतलब जब मैं खोया था तब मिला था, तो वही है ये कि मतलब मैं गुम गया था ठीक है, मतलब उस टाइम जब मैं उसके साथ मिला था, तो मैं तब मैं खो गया था किसी चीज में, पर मैं जब खोते खोते उसको मिल गया मैं, तो जब मैं उसको मिला तो मैंने खुद को पाया, वही है। वाह 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 वा, क्या बात है, नोट कर लें सब। हाउ डू यू फील बीइंग विद हर? बहुत हैप्पी, आनंद सा, पीस, एपिसोड। आपको कुछ ऐसा है कि मतलब वो किसी चीज से रोकती हो या फिर तंग करती हो या फिर शी इज वेरी डिफरेंट इन रियल, मतलब रियल लाइफ एंड शी इज मतलब डिफरेंट इन लाइफ, कुछ फेकनेस कुछ नहीं? वो रोकती तो है चीजों में,
मतलब मैं चिपा करने की दिल करती है पर वो करने दी उनकी उनके में क्योंकि आराम होती है बोलते आ रहे तो मतलब कुछ नहीं होती मतलब कुछ नहीं होती मतलब कर सकते खुद की मर्जी होती है सर ठीक है अभी मतलब हो जाएंगे अभी धीरे धीरे क्या ही है मतलब 2 साल की तो बातें अभी तक मतलब 20 साल तक तो ना करके भी बैठ रहा था अब 2 साल में कौन सी बड़ी होगी ठीक है अब 2 साल के बाद होंगे तो उसकी बुरी बात और फेकनेस की बात तो मतलब कुछ है ही नहीं उसकी फेकनेस की बात यही है कि वो बोलती थी कि मेकअप नहीं पहनती हूँ बहुत मेकअप पहनती है और टाइम नहीं लगाता हूँ बहुत टाइम लगाती है रेडी होने पे और टिकटॉक बनाने में तो कसम से और गुस्सा इतनी जल्दी हो जाती है मैं तो बेगा मैं सॉरी आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताओ मतलब हमने देखा है कि आप अपनी फैमिली को अपनी टिकटॉक में इतना ज़्यादा नहीं शो करवाते मतलब सिर्फ हजुरामा की ही ज़्यादा बात करते हो आप आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं मेरी फैमिली में ऐसे कुछ 5-6 कौन कौन दो मामा हो गए मम्मी दादी कुसुम और अभी तो फिलहाल भाई भी आया है और मेरे 2 बच्चे गुंशु और जिन उनके बारे में बाद में पूछूंगी कुसुम के लिए आप ये बोलते हो कि आपने उसको खाना बनाना सिखाया है क्या ये बात सच है बिल्कुल सच है मेरी मामा और मम्मी ने भी बोला था आपके सामने तो आपको खाना बनाना आता है बिल्कुल यार जाहिर सी बात है यार क्यों नहीं आएंगे यार जब मैं अकेले रहता था तो कौन खिलाता था यार बाहर से खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो खुद ही बना के खाने पड़ता था अपने मतलब सिचुएशन ने मुझे मतलब सिखाई सब चीज़ तो वो छोटी थी और वो पहले से जब छोटी थी तब से हम साथ रहे मेरे इधर हमारे इधर भी हम साथ में रहते थे मामा के साथ मम्मी के साथ और तब मामा कॉलेज जाते थे सुबह ही इंजीनियरिंग कर रहे थे तो घर में रहता था कुछ उम्र में और मैं भी स्कूल जाता था और कुछ उम्र में सेम स्कूल में थे तब तो उसमें बेचारी बहुत छोटी थी और वो थोड़ी मतलब वीक भी फील करती थी ना छोटी तो समझ भी नहीं आती थी उतनी तो 2 साल की डिफरेंस है ना उसकी यार मेरी तो उसका मतलब बाल बाल वो हमारे इधर क्या होती थी मतलब स्कूल में भी वो बाल को ऐसे क्या बोलते थे उसको चोटी हाँ चोटी चोटी बना के बाटनू बोलते हैं बाल को बाट के उसको तेल वेल लगा के डाल के मतलब बाट के खाना वाना खिला के बना के खिला के बेचता था इतने छोटे होके आप भी हाँ तब मैं ऐसे कुछ 10-11 था माशाल्लाह मतलब 10-11 साल की उम्र में आप उसको चोटी बनाते थे खाना खिलाते थे और भेज देते वाओ अभी तो मतलब भूल गया होगा यार पर आती है मुझे अभी आती है थोड़ी मतलब कम आती है बहुत अच्छे से आती है आपको आपने अपने जो दूसरा आपका बेबी है डॉग उसका नाम जेम क्यों रखा किसने सजेस्ट किया अरे एक तो मेरे पहले से था जो दुंसु उसको तो मैंने खुद रहा था और एक दूसरी जब वो आ गई तो वो भी आ गई तो एक तो मतलब हमारे से हो गई नाम अब एक उससे उसी से कर लेते हैं फैमिली तो है तो जो भी नाम रखे एक ही है तो उसके उसके हिसाब से रखा तो आपको अलीजे का जैम क्यों नहीं पसंद मुझे बिल्ली ऐसे थोड़ी मतलब पता नहीं मतलब बिल्ली क्यों नहीं पसंद है क्योंकि जब मैं छोटा था असल बात क्या है कि मतलब हम गांव में रहते थे जब मैं छोटा था ठीक है तो मम्मी बाहर थी बस दादी थी गांव में और दादी के साथ रहता था तो दादी हमारे गांव में क्या होती थी मतलब बिल्लियाँ बहुत आती थी और बच्चे बच्चे पैदा करके चले जाते थे इतने बिल्ली थी इतनी बिल्ली थी यार मतलब 4-5 बिल्ली माँ थी ठीक है और वो 4-5 की बच्चे कितने होंगे सोचो आपको तो इतनी बिल्ली थी यार हर एक जगह देखो बिल्ली मेव करते रहते थे उसके बाद मुझे पसंद ही आने छोड़ दिए खाना खाते वक्त भी सामने आते थे टॉयलेट जाते वक्त भी मतलब कुंडी नहीं लगती थी इतना बिल्ली देख लिया कि आप जिंदगी मुझे देखने नहीं किसी कोई बिल्ली तो इसी वजह से मतलब यही वजह होगी लेकिन आपकी पार्टनर को तो बहुत पसंद है आता बहुत उसको पसंद है ठीक है ना यार मतलब मुझे बिल्ली से क्या लेना देना मुझे उससे लेना देना वो मुझे पसंद ही खत्म ओके आपका फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह तो आपको मतलब उनके गाने काफी अच्छे लगते हैं बहुत तो आप कभी अगर आपको मौका मिला उनसे मिलने का मिलेंगे जरूर यार कूद के जाऊंगा यार क्यों नहीं मतलब पर्सनली मिलने के लिए वाओ अगर मिली तो क्यों नहीं आपको उनका अभी रीसेंट फेवरेट सॉन्ग कौन सा लगता है अभी रीसेंट हाँ वो जो मैं गाता रहता हूँ कौन सा तेरे हवाले थोड़ा गा दो हाँ थोड़ा गा दो अभी फिलहाल गाने की वो सिचुएशन नहीं है थोड़ा अभी तो अभी आप इंटरव्यू के बाद कहाँ जाएंगे
अभी हम इंटरव्यू के बाद कल के लिए रेडियो आए थोड़ी वो शूटिंग के लिए काम में और उसके बाद खाना वाना खाने जाएंगे घर, उसके बाद सोएंगे। तो आपके जो मतलब फ्यू हेटर्स हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहोगे? उनको बस ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब दे सकते हो तो प्यार दो, हेट नहीं, ठीक है? क्योंकि हेट करने से खुद की मतलब आप किसी को हेट कर रहे हो, ठीक है, बहुत गंदे गंदे बोल रहे हैं और बहुत प्रेशर से बोलते हैं जब हेट करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा फैमिलीज को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। कोई मतलब कोई पसंद नहीं आए तो अंदर से गुस्सा भी आती है। हाँ। तो उसी वजह से हेट करते हैं। तो उसमें मतलब उस बंदे तक तो पहुँचेगी नहीं, पहुँच भी गई तो उसको कोई परवाह नहीं क्योंकि ऐसे करते रहते। Exactly. और जो हेट कर रहे हैं वो लोग एक इंडिविजुअल, वो खुद को तकलीफ में क्यों दे रहा है यार, खुद को प्रेशर करके खुद को ये वो, उसका तो ना कुछ बिगाड़ा होगा ना तो कुछ किया होगा, और किए तो ठीक है, वो जाहिर सी बातें करना चाहिए, गाली करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, पर भी फिर भी आज़ादी का अगर अहंकार तो हेट करते होते यार मत करिए, प्यार करिए, सबको प्यार बांटिए, अच्छे से रहिए। क्योंकि आप जब हेट कर रहे हो तो आप अपनी जबान खराब कर रहे हो, आप खुद को ही वो कर रहे हो, उनका एक मेंटल भी वो प्रेशराइज कर रहे हो, वही है। सही। अच्छा, इन फ्यूचर अगर आपको मौका मिले तो आप क्या अलीज़े का फेस रिवील करवाएंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं, लाइक आपको ये अपने तक रखना है, ये काफ़ी मतलब लोग बोलते हैं कि फेस रिवील करो ये वो, ठीक है, तो उसने जो नकाब किए उसकी कोई फ़ायदा नहीं रहेगी उसमें, तो जो अभी तक कर रही है, लोग आते हैं इधर आके भी मतलब साथ में रह के बैठेंगे खाएंगे, उसका मतलब ये नहीं कि मतलब सब कुछ चीज़ें होते हैं मतलब बस अपनी होती है, उसका मतलब वो प्यार करने की जो दूसरी हो गई, ठीक है, तो अपने लोग होते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो नकाब करते यार, उसके रीज़न है, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, बस उसकी फेस ना देखने से प्यार कम नहीं हो जाती, उसकी फेस में कुछ है नहीं इतना कि बस उसकी फेस देख के हम प्यार करेंगे, उसकी हैबिट देखिए, दिल दिखे, दिल कैसी है, बस वही फेस देखेंगे यार, अब बाद में क्या होगी, बस मेरे कहने से नहीं। आपने क्या सोचा है फ्यूचर प्लानिंग कितने चंटूमेंट है? कैसे कुछ नहीं, क्यों नहीं, वो तो आप देखेंगे आज देखे जाएगा कितना होगा। आप नहीं बोल पे कैसी बात है यार, किसी को यार इंटरव्यू यार कैंसिल कर रही है, मेरी मैनेजर बोला हूं। हां, पूछते आर यू गुड इन स्पोर्ट्स? बिल्कुल है, कौन सा, फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों ही। शुक्र है, या अब पूछो मेरे घर में कितने मेडल्स मैं दिखाऊंगा तुम्हें, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, वल्ला वाओ, we need proof, मेडल चाहूँगा मैं तुम्हें जाके, guys I'll post it अगर मुझे दिख गए तो, बिल्कुल, done, okay, कोई embarrassing moment जो आप शेयर करना चाहो हमारे साथ, मेरी मतलब कोई ऐसा embarrassing moment आवे यार ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये क्यों यार, मतलब आप बिल्कुल ही लाल टमाटर हो गए, embarrassed हो गए बिल्कुल, मतलब उफ यार ला ये क्यों हो गया, embarrassing moment इस तक सही नहीं है मेरी, कुछ याद करो, होगा हाँ, क्योंकि मैं अपने आप खुद बहुत मेंटेन करता हूँ, मतलब मेंटेन क्यों यार, मैं जो है वही करता हूँ यार, जो आती है दिल से वही करता हूँ, तो उसमें एम्बेरिस होने की क्या जरूरत है, पर एक बार क्या हो गई थी ये क्या है कि मामा की बात है, तो सोच के भी हम रेड हो गए हो मामा देख रहे होंगे अभी, मेरे मामा को झूठ बोला था, मामा की एक डांस थी एसएससी करके, ओके तो मुझे बहुत हंसी आई वो गाने में, पूरे टन 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 साथ में, ठीक है, टेरेस में, तो मैंने टिकटॉक में शेयर किया आपसे, ठीक है, तो मैंने आपका शेयर करना जा रहा था और आपका शेयर करके मतलब उसके नीचे जो टाइप करके शेयर है ना एक साथ, तो मैंने आपको शेयर करने से पहले उसके नीचे क्या लिख दिया था कि मामा को देखो बोल के हा 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 कर दिया, तो मामा की डांस थी, तो मैंने भेज दिया था आपको शेयर कर दिया था टिकटॉक में, गलती से मामा की इसमें प्रोफाइल एक टिक हो गई, चली गई, अब टिकटॉक में आंसर नहीं कर सकता हम तो मामा क्या करते कि मेरी सांस फूल गई एक साथ,
अनशन करता हूँ, अरे यार ये तो बस मेरे से होती, उधर नहीं होती, नहीं होती। हाँ तू अनशन करने कर भी नहीं पा रहा था तो वहां सीन कर ली, और सीन करने के बाद मैं क्या देखता, अब मेरे डर रहा था उधर, ठीक है क्या टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, कहीं रूम में था मैं ऊपर, मैं आके रूम नीचे, तो मुझे क्या लगा मैं ऐसे चुपचाप सुन रहा था कि मतलब बेड से उतरी तो नहीं कुछ आ रहा नहीं, तो मैं क्या भेजा ऐसे करके हंस के इमेजिन, बस दाते हंस स्मेल आ लेते हैं दाते खा हुई, वो इमेजिन के साथ क्या हुआ वो तो मैंने बोला ए सॉरी, नहीं मैंने बोला ए कह रे ये शेयर करना चाहिए, शेयर करने से अच्छी जाती है वीडियो में, बोल दिया तो वहाँ ठीक है इसलिए शेयर कर दी। फनीस्ट मोमेंट मामा को लेकर। एक्सप्लेन करो मामा को लेकर। एक बार क्या हुई थी यार, हम दोनों लड़के ठीक है लाइव एंड करे तो मामा तो क्या है रुक यार कंट्रोल करने थोड़ी क्या हो गई थी कि मामा मतलब रोके टिकटक डाल रहे थे बस इससे एंटी की तो इससे कुछ कुन बाटोले इससे कुछ लेते हैं ना लोग डर टाइप की, तो इसमें मतलब रोके ऐसे आस मतलब ऐसे करके करके आंसू निकाले हुए वीडियोस डाल रही थी, पोस्ट कर रही थी उसने मामा ने, तो हमारी जो लाइव एंड हो गई तो उसकी एडवर्टाइज के लिए मांग वो वीडियो बार बार 10-20 मिनट के लिए बार बार रीटेलीकास्ट कर रिप्ले करके बस रिप्ले यार वो वही वीडियो, बेचारा मामा की रुई दूसरा कोई वीडियो नहीं देखा क्या यार, वो बंदे ने की मामा की वही वीडियो देखा, और मामा मुझे भेजते ठीक है क्योंकि मामा जब हमें लाइव नहीं देख पाते तो रात में सोने से पहले सोने के लिए मामा की एक आदत बन गई कि मतलब लाइव देखते हैं, तो यूट्यूब जाके देख रहे थे मामा आज की लाइव कैसे गई, इन लोग की लड़ाई कैसे हो गई, टिकट में आ गई थी लड़ाई हुई तो लड़ाई कैसे हुई जाके देखी मामा ने, तो 5 मिनट की लाइव हुई थी हमारी, लड़ाई हो गई थी हम एंड कर दी, वो 16 मिनट की वीडियो वीडियो 16 मिनट की थी, तो 5 मिनट की बस लाइव थी यार, लड़ाई हो गई खत्म हो गई, और 16 मिनट की वीडियो में बस जो एक ही रिप्ले हो रही है, एक रिप्ले यार मुझे मामा ने भेजा, और बोलते ये कौन है इसको बोलो कि हटाए, ये कौन है, ये क्या कर रहा है आयुष देखो ये, मामा इतने इनोसेंट हो गए पूछे मुझे, तो मैं पता नहीं यार मैंने खोला तो शुरू में तो लाइव ही खुलती है ना, तो मैंने क्या हुआ मामा ये तो मेरी लाइव ही, बोला वो ये टाइम में देखो बोला, तो मैंने वो टाइम में गया कि मतलब मामा तो रोने शुरू हो गया, अरे किस टाइप की एडवर्टाइज यार, तो ये थी मसला। ओ फल्ला आप जो ये सोशल वर्क करते हो तो आपने सोचा इन फ्यूचर कि आप कुछ अपना मतलब ऐसा ऑर्फनेज या फिर ऐसा कुछ खोलोगे जिससे आप खुद मतलब कर सको? हाँ मैंने वो बिल्कुल सोचा यार, मैं कहता भी रहता था लाइव में कि करेंगे इंशाल्लाह एक दिन, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत छोटी फैमिली है, क्योंकि जो मेरे पापा की फैमिली है वो हमारे साथ नहीं रहते और हमारे कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं है उनके साथ, जब पापा गुजर गए और पापा की फैमिली होती तो बहुत बड़ी फैमिली होती, तो अभी तो फिलहाल मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़ी फैमिली बन गई है, जल्दी बनी है, ज्यादा ही बड़ी हो गई है, ज्यादा ही पूरा सारे नेपाल और कुछ कंट्री, खाना भी हमको डबल बनाना पड़ता है। हां तो वही है कि मुझे क्या लगता है कि मतलब ऐसे करके भी एक फैमिली टाइप के मैं देखूं उन लोग को जिनके पास नहीं है जितना हो सके खुद से, तो एक ओल्ड एज होम के लिए मैंने सोचा था, अपने मतलब दादी को भी देखता हूँ ना कभी कभार, और जब मैं देखता हूँ कि वो लोग अपने माँ को उधर रखते तो बहुत यार खुद को फील होते, ऐसा लगता है कि मतलब वो लोग को खुद के घर में ला के रखूँ, पर बात तो एक ही है खुद के घर रखूँ या ओल्ड एज होम में रखूँ जब अपने बेटे के पास ही नहीं है तो। सही बात है, मतलब लोगों का दिल कैसे मांगता है ये नहीं समझ में आता कि अपनी माँ को अपने से दूर रखना, जैसे कि हमने स्नेहा में भी किया था ओल्ड एज होम में, उधर बहुत माएँ थे, you know a lot of moms and a lot of ladies they connect with you because of this, they call you aap bete unke because of this, because they love you because what you are doing in such a young age, kaisa lagta hai tab pyar itna wo lekar yaar, bas yaar jaise apni family lagti hai waisi lagti hai, प्रेशर नहीं होती, लोग समझते होंगे कि मतलब इतने लोग प्यार करते हैं सबकी प्रेशर होती होगी, कोई प्रेशर नहीं होती यार,
अगर मतलब अभी तो हमारे पास आदत में डिपेंड करती है, जैसे कि हम पांच लोगों के साथ बैठ रहे हैं फैमिली में, बहुत मतलब पांच लोग से छुट्टी हो गई ना, पांच लोग तो पांच लोग के साथ बैठ रहे तो वही आदत लगती है कि पांच लोग के साथ, अगर वही बंदा जाके दस पंद्रह लोग फैमिली होगी ज्वाइंट फैमिली जाके बैठे तो आदत नहीं होती और घुटन सी होती है, पर मुझे इसकी आदत हो गई तो मेरे लिए तो वही है फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली है मेरे तो मतलब मसाला। आपका मतलब पर्सनल कोई घर है अभी? पर्सनल घर नहीं, हम ज्वाइंट में रहते मामा लोग के साथ, सब लोग साथ ही रहते, तो पर्सनल तो हमारे कुछ सही नहीं यार, सब की कि जो है जमीन लेके इधर तक मैं तो कोई कुछ नहीं है, पर जो है अभी तो सब साथ ही रहते यार, इसी कुछ पर्सनल। तो आपने सोचा अपना ड्रीम हाउस? हाँ तो वो तो सब सस्ता है, जाहिर सी बात है यार सर, कोई सस्ता है कि मतलब खुद का घर हो, खुद का गाड़ी हो, खुद का ही कुछ काम वाम सोचा हूँ लगेंगे यार थोड़ी टाइम। जब आप अपने मतलब फॉर यू पेज देखते हो टिकटॉक का या यूट्यूब का, तो जब आप ही आप दिख रहे होते हो तो कैसा लगता है मतलब इतने फैन पेजेस इतना सब कुछ? हाँ उसमें तो मतलब बस आँख ना लगे यार, इससे प्यार करते जाए लोग, वही सोचता हूँ। और मैं उतना वो टिकटॉक नहीं यूज़ करता हूँ जितना मैं वीडियोज, उतना मैं वीडियोज भी इसलिए नहीं डालता हूँ। और मेरे पास जब आप बोलते हैं कि टिकटॉक बनाते हैं साउंड लाओ, खुद की मेरी साउंड ही नहीं होती, आपको पता है कि मैं टिकटॉक ही नहीं देखता हूँ। मैं आपको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ताकि लोगों को पता चले कि आप है, क्योंकि मैं जब चीज होंगे मुझे पता है वीराना हो जाएगा और फिर से जाले पड़ जाएंगे हर जगह। आप तो माना ना फिर से मकरे जाले मकरे साफ करने के जी नहीं, आपको कॉन्स्टेंट रहना पड़ेगा। रहेंगे क्यों नहीं, ऑफकोर्स। तो अभी इन फ्यूचर आपका कोई नेक्स्ट कैंपेन आ रहा है मतलब इसका डोनेशन का समथिंग? मतलब अभी मैं आपके पास हूँ इसका मतलब ये नहीं कि बस इंजॉय कर रहा हूँ, हमें कॉल्स आती है, मेरे नंबर्स थोड़ी जगह पे पसती है जहाँ पसने चाहिए फोन नंबर्स, तो मुझे आज भी जब हम लंच कर रहे थे तब भी एक आई थी कैंसर के लिए, तो देखते हैं अब एक दो दिन के बाद। अभी फिलहाल तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अभी मैं हम रेगुलर भी नहीं हो रहे लाइफ में, तो करेंगे हम जल्दी। कुछ ऐसी बात जो आप अपने फैन पेजेस को बोलना चाहो, बिकॉज आई थिंक आपके अनकाउंटेबल फैन पेजेस हैं विद लॉट्स ऑफ फॉलोवर्स, लॉट्स ऑफ लाइक्स, फेसबुक हो जाए, इंस्टा हो जाए या टिकटॉक हो जाए, इतने ज़्यादा फैन पेजेस हैं आप दोनों के, तो आप कुछ बोलना चाहोगे उन फैन पेजेस को? बस यही बोलना चाहता हूँ, मैंने देखा भी हूँ आपकी मेरी हमारे जो फेसबुक में जो हमारे फॉलोअर्स है, जो नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स है बस 22K मेरी आपकी, बस तो नहीं ज़्यादा ही है पर भी मेरे 22K आपकी 10K 11K, पर जो हमारे फैन पेजेस है उनकी 100K है, किसी की 150K, मैंने देखा भी 150K वाली, और व्यूज भी अच्छा आते हैं, लाइक्स भी अच्छे आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यही है कि मेरा मानना है कि अच्छी कंटेंट देना, अच्छी वो बात करना, अच्छी वो क्या बोलते हैं उसके बाद न्यूज़ वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह करना, कुछ गलत मिसयूज मत करना, जो आपके दिल करे करना पर अच्छी करना, सबका अच्छा करना उसी उसके जरिए, क्योंकि आपको जो फॉलोअर्स मिले हमें नहीं मिले, जो वो तो मतलब ओरिजिनल तो हम ही है पर हमें नहीं मिले, आपको मिले तो आपके हाथ में उसकी जिम्मेवारी, तो आप अच्छे से करना वही है। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, योर फेवरेट ऐप? टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरी फेवरेट ऐप टिकटॉक। फेवरेट हो गई तो क्या बनाने की जरूरत नहीं है ना यार, बस मतलब टिकटॉक क्यों है कि मतलब सब कुछ मेरी हुई है जो मैं बनाऊँ। ऑनेस्ट 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 आपने ये जवाब देना है, जब आपने फर्स्ट टाइम अलीजे को देखा था मतलब ऑन कैमरा लाइव में, क्या सोचा था आपने? क्या सोचूंगा मतलब फेस नॉट फेस लाइक जब वो आपके साथ लाइव आई थी फर्स्ट टाइम लाइव में अरे लग रहा था यार कोई होगी क्या लिया बना के बैठी है ये आपके लिए वो बहुत न्यू था, आपने नहीं देखा? बहुत न्यू थी मतलब पता था, पर टिकटॉक में ऐसे आते पहली बार देखा था मैंने, नकाब पता था कि हिजाब और नकाब, वो पता था मतलब हिजाब और नकाब ये नहीं पता था, नाम नहीं पता था, पर ये जो लिया होती है ना वो पता था। तो फिर क्या लगा था? मैंने सोचा टिकटॉक में पहली बार दिख रहा था तो सोचा कि मतलब कोई ऐसी मजाक कर रही है ये लड़की इधर उधर की बात से, पर बाद में जब बातचीत हुई हमारी तो उसके बाद यू थॉट आई एम नेपाली? नहीं थोड़ी नेपाली भी बिकॉज
मैं तुम्हारी बातें समझ रही थी। हाँ थर्ड तो नेपाली भी लग रही थी मुझे भाई, यार मैंने बोला था कि मैं इंडिया से हूँ ये, तो तुम्हें इंडिया इंडियन बोली तो इंडियन भी लगने लगी। बाद में जाके पता चली तुम दुबई रहती हो, ये वो पाकिस्तानी हो, इधर उधर की बात। तो मैंने सा ओ, ओ। तो जब लोग आपका और मतलब आपका नाम अलग नहीं साथ जोड़ते हैं अलीजे के, तो मतलब आपको वो तो नहीं लगता कि यार साथ क्यों क्यों नहीं, साथ ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, कभी मतलब ये दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ तो वो है और वो है तो मैं। अलीजे आयुष और खुश भी होती है यार, मतलब खुद का पार्टनर यार, जहाँ खुद हो तो वहाँ वो भी हो, जहाँ वो हो वहाँ मैं भी हूँ, तो इसमें तो बहुत प्राउड मोमेंट यार, मतलब प्राउड चीज़ है ये। आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड जिससे आप हर बात शेयर करते हो, जिसका आप हर बात बताते हो? वो तो अभी फिल आप ही है। नहीं और दादी भी है। अच्छा आपने अपनी दादी को मेरे बारे में क्या बोला है? दादी को दादी क्या बोलूँगा यार, बिकॉज आई हैव अ बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, तो मैं उनसे इतनी बातचीत पूछ नहीं सकती। मेरा दिल होता है पूछने, लेकिन मैं पूछ नहीं सकती, तब आप खुद ही बता दो मुझे। बड़ी नींद आ रही है, बड़ी नींद आ रही है। नहीं दादी को ये बोला हूँ यार, क्या ही बोलूँगा, बस दादी ऐसी बोलती रहती है कि जैसे भी शादी करना। और मैं बोलता हूँ नहीं 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 करूँगा, मजा मस्ती में। तो दादी को बस परेशान करने की बस ऐसी ऐसी चीज़ें, बस मजा आती मुझे तो दादी सीरियस हो जाती है, नहीं करेगा शादी ये वो बोलते। तो मैं बोलता हूँ देखते बाद में क्या है। इन नेपाल लाइक यू हैव लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट, मतलब सिंगर्स, तो इन फ्यूचर क्या आप कभी किसी के साथ कोलैबोरेट करोगे? बिल्कुल करूँगा। हमारे वोकल टीचर मतलब वो भी आर्टिस्ट है, सिंगर है, हमारा बसंत भैया जो हमारे स्टूडियो, आप लोग आप बहुत ज़्यादा लोग पसंद होंगे उनको, यूट्यूब चैनल भी है बसंत नाम से, बसंत बुढ़ा थोटी, तो मेरे ब्लॉग में ही देखे होंगे, उनके साथ करने की दिल है मेरी, क्योंकि बहुत मदद करी है उन्होंने फर्स्ट दिन से मेरे साथ। आई पर्सनली फील ही इज योर टीचर, बट उनको देखने से ऐसा फील होता है कि ही इज अ वेरी सिंपल मैन विदाउट कोई जैसे स्वार्थ के, बिल्कुल सिंपल, बहुत बिल्कुल ऐसा ही है। यस बहुत, क्योंकि जब हमारे काम चल रही थी और मैं मतलब जान पे कहीं से मतलब उधर आया, ठीक है, सब खुदा की तो फरमाइशी होती, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं मतलब स्टूडियो में जाके 10-15 हज़ार 20 हज़ार 40 हज़ार दूँ रिकॉर्डिंग करी हुई। तो जब हमारे साथ समुद्र की किया था हमने, उनके में किया था, हम मिले थे कहीं से, और उन्हें मेरी एक पैसे भी नहीं ली। हम काम करे 4-5 दिन स्टूडियो में रहे, और कोई स्टूडियो में जाके 4-5 दिन काम करते अच्छे वाले, तो उधर लेते होंगे 50,000 तो जाती है, क्योंकि एक स्टूडियो हमारे नेपाल में कि 1 घंटे की 15,000 चल सकती है। तो इसका मतलब कि सोचो कि हम दिन भर एक बात है, मतलब तकरीबन 24 आवर भी काम करे हमने ये प्रोजेक्ट जो हो रही है फिलहाल, तो वही है। तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहोगे? हाँ उनके साथ करूँगा, करेंगा तो करेंगे तो, अरे सब साथ ही यार, मैं मतलब अगर कहीं मतलब कभी मिली तो हमारे नसीब में है तो इवेंट वगैरह कुछ चीज़ें जो हमारे गाने के, हम साथ जाएंगे, क्योंकि वो अब मेरी म्यूजिक की फैमिली है वो। वाओ, सो ही इज़ नॉट जस्ट अ टीचर, ही इज़ योर फ्रेंड, सपोर्टर, फ्रेंड, गाइडर, लेके सब चीज़। बहुत सारे लोग आपकी और अलीजे की लाइफ देखकर ये भी बोलते हैं कि वी वर इन डिप्रेशन एंड यू गाइस हेल्प्ड अस आउट कमिंग आउट फ्रॉम डिप्रेशन। हाँ वो बात क्या है कि लोगों को मतलब मैंने बोला भी था पहले कि लोगों को रुलाना बहुत आसान है कि हंसाना बहुत मुश्किल होती है, तो हमें वो चीज़ देखी उन वो लोग ने, तो इसीलिए कहते वो चीज़। और वो डिप्रेशन की क्या होती है कि अब उनको डार्क पसंद होती है, ठीक है, तो वो सो नहीं पाते, रात को सो नहीं पाते मेन चीज़। और उसी जरिए मतलब हमारी कुछ बातें ऐसी
तुम्हारे से थोड़ी मजाक होती है, हमारे से थोड़ी मजाक होती है, वो लोग खो जाते हैं जो वहाँ जो वो लोग को चाहिए एक माइंड रिफ्रेश करने के लिए, माइंड साफ करने के लिए, तो वो हमें मिल गई होगी शायद, तो इसीलिए बोलते होंगे। और ये चीज़ की ज़रूरत होती जब लो फील करते कोई, जब प्रेशराइज होती अपने माइंड, तो ऐसे कुछ इसे बोलता हूँ ना यार, डिप्रेशन के लोग को मतलब हंसाएंगे तो देखो कितनी बड़ी बात है। वो डिप्रेशन में से आसान आसानी से चली गई, डिप्रेशन में रो रहे होंगे पर हमने आशा दी, बड़ी बात है यार, निकल नहीं पाते डिप्रेशन से, मैं भी कुछ डिप्रेशन में था। तभी मैंने आपका नाम मेंटल केस रखा हुआ है अपने फ़ोन में, बिकॉज आप हमेशा डिप्रेस में डिप्रेशन में चले जाते। नहीं नहीं पहले था सच में, अभी अभी तो पहले नहीं, पहले एक टाइम थी यार, बस बस मैं ज़िंदगी यही बात किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, बाकी सब ठीक है। मुझे पता है, बस आपको पता है काफ़ी है, आपको और फैमिली को पता है, ठीक है काफ़ी इतनी। तो हम अभी इंटरव्यू अपना ख़त्म करते हैं, कुछ ऐसा है जो आप चाहते हो मैं आपसे पूछूं? हाँ बिल्कुल। क्या कि तुम्हारे घर से क्या है, क्या मेरे लिए हमारे लिए? माय मॉम इज हैप्पी, माय सिस्टर लव्स यू, माय ब्रदर लव्स यू, माय ब्रदर इज अ फैन ऑफ योर्स ऑफ कोर्स, माय बिग ब्रदर बिलाल लव्स यू, यू नो दैट। अब तो मां बाबा का मनाओ शादी, बस बाबा ही रह गए, करेंगे इंशाल्लाह जल्दी इंशाल्लाह। So, yep guys, thank you so much for watching the video, हमारा interview. I hope आप सबको पसंद आया होगा, मैंने वो सारे questions cover करने की कोशिश की है जो आप सब पूछना चाहते थे आयुष से। काले काले वाले आए तो हम वो editing कर देंगे, कुछ नहीं होता हमारे। चला वो शाम हो गई है इसलिए अभी मतलब शाम की देखो इधर 7:10 हो गई है, 7:10 इंटरव्यू लेके देते थे, लड़की इतनी लेट कर दी है, अब कोई नहीं खैर तो करिए कुछ, मुझे तो भाव नहीं है तो पानी की चलेगी। नहीं आप पानी पिए आप चलेगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है आप पानी की बॉटल ले सकते हैं, ठीक है आपने मेरा जूस पी लिया और क्या चाहिए आपको, मेरा खून चूस लिया और क्या चाहिए। एनीवेज गाइस थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल सो मच, थैंक यू, मेक श्योर टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बोलना दिस गाइस, मेक श्योर टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, लव यू ऑल गाइस, रोड टू 400K हाय ऑन इल्जाम वाली, एंड इट्स माय फर्स्ट इंटरव्यू। अब आपको इंटरव्यू लगे या ना लगे, अब मेरे लिए तो बस यही इंटरव्यू। इंटरव्यू क्यों नहीं लगेगा, इतना प्रोफेशनल इंटरव्यू किया मैंने। कुछ लोग होंगे फिर से इधर आके क्या नौटंकी करे, हाँ तो नौटंकी ये हमारे लिए तो बस यही है, हमने अपनी जनता के लिए करनी थी, क्योंकि हमने आज से 6 महीने पहले बोला था कि हम जमाला का हमाला करेंगे तो हमाला कर दिया। Okay guys, bye, take care, bye bye, bye 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 everyone, bye bolo bye, yeah. Ayush bye, bye bye, bye bye, bye everyone, bye 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 bye.